टूल का नाम है एलिप्स टूल, F7 इसकी शॉर्टकट की है। सर्कल बनाना हो या आपने पाइप बनाना हो या कुछ स्लाइस बनानी हो सर्कल की, जैसा पिज्जा के स्लाइस होता है ना, वैसा अगर आपने कोई क्रिएट करना हो ऑब्जेक्ट ऑन योर पेज, तो ये बनाने की एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप अपने पेज के ऊपर अगर कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जो कि आपके एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे गौर करना है, ये आपकी प्रॉपर्टी राउंड शेप में एलिप्स बनाएगी। ये आपकी ये वाली ऑप्शन है, इसका पूरा राउंड सर्कल में एलिप्स नहीं बनाएगा। और अगर आपको आर्क चाहिए तो ये टूल ले लो, आसान सी ट्रिक है। आपने जब कुछ बनाना है, अगर आपने राउंड शेप में बनाना है, उसकी की याद रख लेना कंट्रोल होती है, जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया वहां से स्टार्ट होता है और ऑपोजिट साइड में सर्कल का साइज बढ़ता जाता है या छोटा होता जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसको सेंटर बनाना चाह रहे हो, तो आपने शिफ्ट प्रेस कर देना। ये मैंने कल रेक्टेंगल के लिए बताया था, ये आज सर्कल के लिए भी बता रहा हूं कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था अगर उसको सेंटर बनाना चाह रहे हो, किस पॉइंट पे क्लिक किया था आपने, इस पॉइंट पे क्लिक किया था और ये ऑपोजिट साइड में जा रहा है, और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो इसको सेंटर, उसका सेंटर बना देता है। तो ये अगर सर्कल बन जाता है और सेंटर पॉइंट को फोकस करते हुए आपने यहां बनाना है, बनाने के बाद स्टूडेंट्स इसमें अगली बात ये होती है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, फुल सर्कल आपको 360 डिग्री के ऊपर मिल रहा है, बाद आपको नहीं चाहिए होता है, आप सर्कल नहीं बनाना है इंटरेस्टेड, आप उसको इसकी स्लाइस को यहाँ पे आप करना चाह रहे हो। ये देखो इसको हम यहाँ पे पाई बोलते हैं, ये पाई है, ये पाई में कन्वर्ट हो गया। चेक करो सर्कल फुल फ्लैज पे करना है, ये ले लो, अगर आपको पाई चाहिए ये ले लो, और अगर आपको सिर्फ आर्क चाहिए तो ये ले लो। तीनों में फर्क है, इसमें आपका आर्क शेप दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक थ्री आपका जो साइड आपको क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा, चार होते हैं ना, चार हिस्से होते हैं, तीन हिस्से दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा। अगर आप इसमें फिल करके देखना चाहो तो आप कर लो, क्योंकि फिल के बगैर शायद आपको दिखाई देने में मसला हो रहा है, फिल कर देते हैं। या आप देख रहे हो फुल सर्कल चाहिए, ये ले लो, अगर आपको एलिप्स पाई में चाहिए, लिखा हुआ है पाई, ये लो, और अगर आप इसको आर्क शेप में लेके जाने चाहो तो ये यहां से कर लो। अगर अगर आप समय तो इसकी स्ट्रोक को मजीद अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यहां से वैल्यूज की पॉइंट्स में बढ़ा लो, ये अब आपको पाई में भी नजर आएगा स्ट्रोक इसका फिल के साथ साथ, और सर्कल में भी इसकी विजिबिलिटी क्लियर आपको नजर आ रही है। और अगर आप पाई बनाते हो, बाद आप पाई बना देते हो, इसका हेड जो है नीचे की तरफ है, डाउन है, तो इसको फ्लिप कर लेना चाहिए, ये है आपका वर्टिकल फ्लिप, ये देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल करना है, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है, आपको इसका फेस इधर रखना है, फेस इधर रखना है, आपकी मर्जी है। और अगर आप इसको अपसाइड डाउन करना चाहो तो ये क्लिक कर देना, ये अपसाइड डाउन फेस कर देता है। इसका मतलब है कभी आपको फुल सर्कल चाहिए, ये ले लो, आपको सेमी चाहिए, पाई चाहिए, ये ले लो, और अगर आपको ना तो सर्कल चाहिए ना पाई चाहिए, आपको एक आर्क चाहिए, आपकी जरूरत एक आर्क है, तो आर्क आप यहां से क्लिक करके इसको बना सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं सर ये आर्क तो बन गई, क्या इसका मजीद इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आर्क को क्या मजीद हम कम कर सकते हैं, बाकी जहां तक फ्लिप है फ्लिप यहां से कर लेना, ये देखो अपसाइड डाउन हो गया। और अगर आप अपने पेज के ऊपर इस डिजाइन को मजीद मश्योर करना चाह रहे हो, ये कर लो आप, ये देखो एक साइड आपने बनाई, दूसरी साइड बनाने का आसान सी ट्रिक बताई थी कल, कॉपी पेस्ट कर लो और उसको फ्लिप कर दो, या आसान सी ट्रिक बताई थी नो कॉपी नो पेस्ट, जस्ट हैंडल को आप लो और कंट्रोल के साथ बिल्कुल ऑपोजिट साइड में चले जाओ, ये लो और राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, ये लो राइट क्लिक कर दो, ये देख रहे हो आपकी दो शेप्स मिल गए, एक शेप आपके सामने क्रिएट कर रहा है। अगर आप इसको फर्दर मच्योर करना चाह रहे हो, इसको मजीद पलटना चाह रहे हो, फ्लिप प्लस कॉपी करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ साइज छोटा करना चाह रहे हो, चारों को करना चाह रहे हो, आप इसको इजीली कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा आप जैसे करना चाहो, फ्लिप करना चाहो आप कर सकते हो, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल द फोर, चार है असल में, यहां से आप साइज छोटा या बड़ा आप करके स्क्रीन के ऊपर यहां पर के आपने इसको दिखाना है, बनाना है, यहां पे एज ए लोगो के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है, आप कर सकते हो, ये आपके चार आर्क्स बने हुए हैं जिसको आपने यहां पे इस्तेमाल किया। दोबारा से देखो, जब कभी आप सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो
या इलिप्स बनाते हो या सर्कल बनाते हो, सर्कल बनाने के बाद ये तीन ऑप्शंस को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। बाय डिफॉल्ट वैसे ये ऑन होता है, ये करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसका डायरेक्शन अपसाइड डाउन करनी है, फ्लिप बोलते हैं इसे, फ्लिप करना। और जब ये हो जाता है, इसको आप अगर चाहो ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, अगर आप इसकी सेम रेप्लिका बनाना चाहो तो यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोल के साथ चले जाना। और जाने के बाद आपने ना तो कंट्रोल छोड़ा ना लेफ्ट क्लिक छोड़ा, राइट कर देना क्लिक, ये ऑब्जेक्ट वहां पे आ गया। बाद आपको डिजाइन बनाने पड़ते हैं, और इस डिजाइन को आपको मजीद इसकी कॉपीज चाहिए हो, ये लो, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई स्क्वायर है। नो, कोई स्क्वायर नहीं है, पाई का पार्ट है जो आपको शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपके चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मिलाने से आपने बनाया है, चार ऑब्जेक्ट। और सिलेक्शन करने के लिए पिक टूल होता है, सिलेक्ट कर लो जो बाउंड्री में आ गया वो सिलेक्ट हो गया। साइज करना है, छोटा करना है, ये लो। हो सकता है आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट कोई चाहिए हो जो कि आपने इसको पाई के साथ बनाया, ये देख रहे हो, ये डिफरेंट उसकी क्रिएटिविटी देखो। आर्क के साथ ऑब्जेक्ट बनाए, उसका रेप्लिकास वगैरह बना के मिक्स एंड मैच करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। दूसरा आपने पाई के साथ बनाया और उसको आपने रिपीट करके दिखा दिया। अच्छा, बाद में स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये जो बन जाता है, पाई बन जाता है या आर्क बन जाता है या ये सर्कल बन जाता है, जब ये बन जाता है तो क्या हम इसको, ये देख लो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे सिचुएशन आ गई है अगर आप गौर करो। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर पाई जब मैं बनाता हूं तो ये कुछ डिफरेंट व्यू आ रहा है पहले की निस्बत। अब पता क्या आ रहा है, जो आपका स्लाइस में से मिसिंग स्लाइस है वो आ रहा है, बाकी ऑफ कर दिए, ये कैसे हुए, एक गलती से मेरे से क्लिक हो गया वो बटन, ये वाला चेंज डायरेक्शन, देख रहे हो। आपको थ्री क्वाड्रेंट चाहिए या सिंगल क्वाड्रेंट चाहिए, यहां से ऑन ऑफ कर लो, हो सकता है आपको ये रिक्वायर्ड हो सकता है आपको ये रिक्वायर्ड हो। बाल ये वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है बटन, चेंज डायरेक्शन वाला, लेकिन अगर ऑन कर दिया जाए तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आपका इस सेगमेंट के बजाय ये वाला सेगमेंट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा। ये बनाने का आसान से ट्रिक ये होती है, समझ रहे हो, क्लिक करो फुल, क्लिक करो रिमेनिंग हाफ क्वाड्रेंट, यहां से कर लेना कभी जरूरत पड़ जाए। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकियों के साथ भी चल सकता है। वो कैसे, आप आर्क बनाते हो, सिंपल एक आर्क बनाते हो, ये टूल आपने सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है, ये करने के बाद आपने आर्क को यहां पे, या चले आपने जैसे बनाना है, ये आपने जब बना लेते हो तो इसको बटन को आप पलटने के लिए, और ये देखो ये आर्क का वो सेगमेंट जो आप दिखाना चाह रहे हो वो पड़ा हुआ है, अगर आपने इस पे क्लिक किया तो ये होगा, रिमेनिंग आर्क का वो सेगमेंट आ गया, वो पूरा गायब हो गया। चाहे आर्क हो चाहे पाई हो, दोनों सूरतों में आपने किसको देखना है, दोनों में किस हिस्से को देखना है, वो फुल सेगमेंट देखना है या रिमेनिंग को देखना है, चाहे वो आर्क हो चाहे वो पाई हो, दोनों सूरतों में इस बटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये देखो, समझे बात को। अब बाद अवकात आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको मजीद इसकी स्ट्रोक को हाई करके कुछ आपने लोगो क्रिएट करना है, कोई इस आपने डिजाइन बनाना है, तो ये देखो ये जब बन गया है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, एक सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस, ये बन गया है, इसको साइड पे करो। आप जब तक पिक को डिसलेक्ट नहीं करोगे, अगर आपने इसको चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा, आप साइड पे क्लिक कर दो, आपने इसको करना था जो कर दिया, अब दोबारा से लो सर्कल, और यहां पे सपोज आपने सर्कल बनाना है, ये लो, ठीक है, और सर्कल को आपने इसके यहां पे आपने प्लग करना है, और इसके अंदर फिलिंग भी करनी है आपकी मर्जी, पूरा सर्कल बनाना है, एलिप्स बनाना है और फिल के साथ बनाना है, तो फिल कर लेते हैं, फिल ये आपके पास मौजूद है, ये फिल है, प्रॉपर्टीज में फिल इस वक्त नन है, दिस इज नन, दिस इज सिंगल कलर, दिस इज टू कलर, दिस इज पैटर्न, वेक्टर पैटर्न, और दिस इज बिटमैप पैटर्न, और ये इसकी मजीद प्रॉपर्टीज। अभी मैं दो से ज्यादा आगे नहीं जा रहा, या तो नन रख रहा हूं या उसके अंदर सिंगल कलर रख रहा हूं, और ये जब क्लिक करते हो तो ये बटन्स का मैंने कल भी इस्तेमाल बताया था कि आप
इसको यहां से अपने कलर को सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका है, अगर आप उसमें डिफिकल्ट समझ रहे हो, मुश्किल हो रही है, तो CMYK कलर की कॉम्बिनेशन यहां से आप अटेम्प्ट कर लो। ये आपको यहाँ पे कलर्स नजर आएंगे, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। सी की वैल्यू चेंज कर दी, एम की वैल्यू चेंज कर दी, वाई की वैल्यू चेंज कर दी, ब्लैक टोन को आपने कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, तो ये आपके कलर की प्रेजेंस आपको यहाँ नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कलर आपको उसमें भी फिल होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे भी आता हुआ नजर आएगा। ये पुराना कलर था, ये आपने नया कलर बना दिया, जो कि CMYK के कॉम्बिनेशन से आपने कम ज्यादा करके मेजेंटा की वैल्यू को कम करना है। ये देखो, या येलो की वैल्यूज को बढ़ाना है, या ब्लैक स्टोन ऐड करनी है कलर में, तो जो भी करते हो, ये आपका ग्रीनिश शेड आ गया, डार्क शेड आ गया, लाइट करना है और लाइट करना है, आप जिस तरह सहूलत समझो आप इसको अटेम्प्ट करो। कलर्स को डिसाइड करो, फिल में करना है तो फिल के थ्रू अटेम्प्ट करो, अगर आउटलाइन में करना है तो आउटलाइन के थ्रू अटेम्प्ट करो। आउटलाइन में फिर यहां से जाओगे, आउटलाइन यहां से अटेम्प्ट होगा। इसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, डैशेज में कन्वर्ट करना है, आपको इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, लाइन कैप चेंज करनी है, कॉर्नर्स को सेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। इसमें से कुछ चीजें मैंने कल बता दी थी, कुछ चीजें आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब है, कलर चाहे फिल में हो, कलर चाहे आउटलाइन में हो, दोनों जगह एक चीज कॉमन है, वो ये कि जब आप कलर पे वैल्यू पे क्लिक करते हो, आपका तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब आप CMYK लेना चाह रहे हो या RGB लेना चाह रहे हो। RGB पे जब क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे RGB का पैनल आ जाता है। अब मजे की बात सुनो, अगर आप किसी वजह से इसकी वैल्यूज को यहां से, आपको यहां से ग्रे स्केल चाहिए, ये ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है? बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। इधर देखो राइट साइड पे, ये व्हाइट टोन आ रही है और ये ब्लैक, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा। या वो डार्क की तरफ जा रहा है या वो लाइट की तरफ जा रहा है, शेड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पुराना ये था, अब ये बनने लगा है। जैसे ही आप इसको करोगे ओके, ये लग जाएगा कलर, या आपका नया कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से आप डिसाइड कर सकते हो। और ये किसके ऊपर लग रहा है स्टूडेंट्स? जो आपने टिक ऑन किया हुआ है, ये स्ट्रोक पे लग रहा है, आप चेक कर लो। ये देखो स्ट्रोक की वैल्यू चेक करो, ये शेड आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने यहां से शेड डिसाइड किया है कलर्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हुए। अब आपकी मर्जी है इसके थ्रू कलर बना लो, आपकी मर्जी है स्लाइडर के थ्रू बना लो, और अगर आप स्लाइडर के थ्रू या कलर के थ्रू आप बनाते हो या पैलेट्स के थ्रू बनाते हो, पैलेट्स में आप गौर करो, इस वक्त टॉप के ऊपर जो आपके शेड्स सारे के सारे पैलेट नजर आ रहा है, कलर्स का एक लंबे चौड़ा आपके पास लिस्ट आ रही है, और यहां से आप इसको शेड्स में जा सकते हो। जिस पार्ट पे क्लिक करोगे उसके शेड्स आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आ जाएगी। अगर आप यहां से करना चाहो, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं स्ट्रोक के लिए। ये मैंने कल भी बताया था, ये मैंने आज भी आपको बताया। इसको आप डिसाइड करो कि कलर क्या रखना है और कलर की उसमें कौन सा आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और अगर आप ग्रे से, आपको सर इसमें तो यह व्हाइट आ रहा है या ब्लैक आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि आपने यहाँ पे ग्रे स्केल ऑन किया। जब तक आप मॉड नहीं चेंज करोगे, ये आपको ग्रे ही शेड नजर आएंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। यहां से आपने डिसाइड करना है। अगर आपने समथिंग प्रिंट करना है और प्रिंटिंग के अंदर कलर्स को प्रोजेक्ट करना है, तो CMYK लेना। अगर स्क्रीन के लिए कोई आपने डिसाइड करना है, बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर जो प्रिंट निकालते हैं कलर ही कुछ और आ रहे हैं, वो वजह क्या होती है? किसी ने RGB के थ्रू ये कलर सेट कर दिए जाते हैं। अब ये कलर जो स्क्रीन के नजर आ रहा है, ये प्रिंटिंग में डिफरेंट होगा। अगर आप चाह रहे हो कि प्रिंटिंग में और स्क्रीन के ऊपर कलर सिमिलर नजर आए, तो आपने ऑलवेज गो विद CMYK। ये जरा एहतियात कर लेना, वरना शिकायत आएगी प्रेस से कि सर आप तो कह रहे थे इसका कलर बॉर्डर का रेड है, ये तो शेड कुछ और ही दिख रहा है। वजह क्या है? किसी ने इसको अटेम्प्ट किया है RGB के साथ। RGB हमेशा याद रखना, डिजिटल डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के लिए होती है, स्क्रीन के लिए होती है। और इफ यू वांट टू गो विद द पब्लिशिंग मीडिया, ऑलवेज गो विद CMYK। कलर्स का मैंने थोड़ी सी सेंस आपको दी है कि आपकी मर्जी है पैलेट में स्विच करके कलर कर लो, आपकी मर्जी है स्लाइडर के थ्रू डिसाइड कर लो, आपकी मर्जी है यहां से आप शेड इसका जो भी ऑन करना चाहो। असल में शेड कौन सा बनने लगा है जो दिख रहा है नीचे, ये पुराना है ये नया है? और ये देखो स्ट्रोक में आ रहा है, ब्लू कर दूं?
स्ट्रोक देखो ब्लू हो रहा है, ग्रीन कर दूं स्ट्रोक देखो ग्रीन हो रहा है। अब इसका लाइट वर्जन देना है या डार्क वर्जन देना है या शेड देना है। एक तरफ टिंट होता है, ये लेफ्ट साइड पे जाता है टिंट कलर के दिखाता है, बिल्कुल लाइट टोन हो गई। लेकिन अगर आप उसको डार्कर करना चाह रहे हो तो नीचे की तरफ ड्रैग करो, ब्लैक की तरफ, ब्लैकिश टोन आ रही है, मदी ब्लैकिश हो रहा है, मदी ब्लैकिश हो रहा है, और यहां तक इतना ब्लैक हो गया कि ब्लैक ही कर दिया। तो ये आपने डिसाइड करना होता है, ये कॉर्नर पे मैंने इसको रख दिया, कॉर्नर से लेफ्ट साइड पे जाएंगे कलर के शेड में ऐड होगा कौन सा कलर, व्हाइट। जब नीचे की तरफ जाएंगे कलर शेड में होगा ऐड ब्लैक, ब्लैक से डार्क टोन आती है, व्हाइट से लाइट टोन आती है। जो भी कलर सेलेक्ट किया हो लिस्ट में से कलर किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ऑरेंज लेना है, ये लो ये ऑरेंज शेड आ गया, ये देखो ये ब्लू शेड ग्रीन आ गया, ये ब्लू स्टोन आ गई, ये पर्पल आ गई, ये आपने रेड कर दिया, ये आपने येलो कर दिया। जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है यहां से पहले ले लेना कलर लिस्ट में से। फिर अगर आपने उसमें व्हाइटर साइड पे जाना है, लाइटर करना है लाइट कर लो, अगर डार्क करना है तो नीचे की तरफ चले जाओ। इसे बोलते हैं शेड्स और इसे बोलते हैं टिंट्स। इधर टिंट होते हैं, इधर शेड्स होते हैं। जो आप फाइनल कर लो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी इमेज के ऊपर वो लग जाएगा। ये अगर आपने आउटलाइन में लगाना है तो आउटलाइन को क्लिक करना जरूरी है, लेकिन अगर आपने ये फिल में लगाना है तो फिल को क्लिक करना जरूरी है। और यही चीज आपको तीनों यहां पे भी नजर आ रही है। अगर आपको फिल नहीं चाहिए, नन, वो देखो फिल गायब हो गया। सिंगल कलर चाहिए, पहले यहां से ले लेना, और फिर इन तीनों में से जो आपको सूट करता है विद कलर मोड, यहां से आप डिसाइड कर लेना, और वो नजर आएगा होते हुए आपके इस बॉक्स में, ये नीचे वाला था, ये बन ये गया है। ठीक है, अब वापस आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हो, कोई आपने शेप्स बनानी है, कोई डिजाइन आपने बनाना है, और जब ये हो गया इसको जरा साइड पे कर दो प्रॉपर्टीज को, ताकि स्पेस आपके पास अच्छी आ जाए और काम करने में आपको ईज फील करो। तो बताने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अपना यहाँ पे डिसाइड किया है, क्या नाम है आपका, अमान अमान, ए फॉर अमान, ठीक है, ए फॉर अमान, और ये मैं शिव के साथ इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट इकट्ठी बड़ी हो रही है शिव के साथ, जितनी आपने डिसाइड करनी है कर लो। और मजे की बात सुनो, जो आपने टेक्स्ट के ऊपर कलर देख रहे हो वो इस वक्त ब्लैक है, अगर आपने ये भी चेंज करना हो कर सकते हो। अगेन यू कैन सी कहां स्टेटस बार, स्टेटस बार पे नजर रखो, स्टेटस बार पे नजर रखो, स्टेटस बार देखो क्या कलर नजर आ रहा है इसका। हालांकि टेक्स्ट है, शेप नहीं है, शेप के ऊपर तो हम कर ही रहे थे, टेक्स्ट के ऊपर भी देखो फिल इसकी क्या है, ब्लैक, और स्ट्रोक क्या है, नन, स्ट्रोक कोई नहीं है। अगर आपने स्ट्रोक देना हो तो याद रखना स्ट्रोक के लिए अगेन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे आउट होता है, ये शेप की तरह नहीं आता। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, अगेन अब ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखाएगा स्टूडेंट्स, टेक्स्ट की दिखाएगा, सर्कल की नहीं, रेक्टेंगल की नहीं, जो इस वक्त करंट एक्टिव है ऑब्जेक्ट वो आपका ए लेटर है। ये लो, ये फीलिंग नजर आ रही है, ये फॉन्ट है, जो अच्छा लगे चेक करो, चेंज हो रहा है, अच्छे अच्छे से फॉन्ट बने हुए हैं। जो आप अप्लाई करो लिस्ट में से फॉन्ट वो आपके उस लेटर पे अप्लाई हुए जा रहा है, और भी हैं ये देखो कितने सारे, जो आपको अच्छा स्टाइल लगे यहां से ले लेना। ये तो होगी फॉन्ट की बात, और अगर आप इस फॉन्ट के अंदर फिल करना चाह रहे हो या इसके स्ट्रोक पे काम करना चाह रहे हो, जैसा शेप के लिए आपकी चीज होती है ऑप्शन यहां पे भी है, ये देख रहे हो क्या, ये वही बॉक्स नहीं है जो आपके सर्कल के लिए था, जो आपके रेक्टेंगल के लिए था, जो आने वाली शेप्स के लिए है, ये वही बॉक्स। जब एक चीज समझ लेते हो, एक शेप के लिए समझ लेते हो, वही टेक्स्ट के ऊपर भी वैलिड है। क्या ये आपने पहले नहीं देखी, मैंने आपको दो दफा दिखाई, आउटलाइन के साथ भी दिखाया और इसको फिल के साथ भी दिखा रहा हूं, और अगर आप इसकी फिलिंग चेंज करना चाह रहे हो, ये देखो हुई कि नहीं हुई, रेड ग्रीन बाल वही है स्टूडेंट्स। आपने यहां से कलर इसका डिसाइड करना है, आपने इसकी स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक आप कैसे लगाओगे, ये जी स्ट्रोक आउटलाइन जिसे बोलते हैं, इस वक्त क्या आउटलाइन, नन लगानी है, क्या कितना वेट देना है, हुआ कि नहीं हुआ, किस कलर का लगा स्ट्रोक स्टूडेंट्स, ब्लैक, चेंज करना है यहां से कर दो,
सीधी सी बात है, जो चीज आज आपको सिखा दी है शेप के लिए, वो टेक्स्ट के लिए भी है, और उसकी प्रॉपर्टीज में आती है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टूल जो आपने लिस्ट में से सिलेक्ट करके अपने जॉब को डन करना है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको आज जिस शेप के साथ मैंने बात स्टार्ट की थी, टेक्स्ट एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, लिए मैंने दिखाना है, इसलिए मुनासिब समझा कि बाज़ औक़ात आपको कोई लेटर्स लिखने पड़ते हैं, कोई आपको टाइटल देना पड़ता है, कोई हेडिंग देनी पड़ती है। तो जब आपने टाइप करना है तो टाइप करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही दिखेंगी आउटलाइन की, फिल की, जिस तरह कल से देख रहे हो, रेक्टेंगल की, स्क्वेयर की, या एलिप्स की, या सर्कल की, प्रॉपर्टीज सेम सेम। बस इतना ख्याल करना कि जो आपका एक्टिव है वो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर आपने सर्कल को सिलेक्ट किया हो तो सर्कल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, जो आपने क्लिक किया हुआ ऑब्जेक्ट उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। उसके मुताबिक आप यहां से डिसाइड कर सकते हो इधर आउटलाइन और फिल, बाकी बड़ी काम की ऑप्शन है, वेट करो थोड़ा सा। वापस अपने टॉपिक पे दोबारा, तो अभी आपको मैं डिफरेंट यूजेज दिखा रहा हूं किसके, इलिप्स के। इलिप्स का एक और इस्तेमाल करते हैं, इलिप्स के बारे में मजीद क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं वो आपको बताता हूं। ये पेज नंबर 2 पे आ गया, खाली है ताकि हम यहां पे भी कुछ बना के आपको दिखा सके। तो आपने जस्ट इस टूल पे क्लिक करना है, और दोनों में फर्क मैंने आपको कल बता दिया था कि ये आपके पास एक डायगनल काइंड ऑफ ओवल बनाने के लिए ये ऑप्शन मौजूद होती है। बाज़ अवकात ओवल आपको डायगोनल चाहिए होती है, और इसमें आपने को कलर की वेरिएंट डालना है, वो आप डाल दिया, इसकी कॉपी करनी है, सेम वही चीज जो कल आपको बताई थी उसके मुताबिक अब इसके कलर्स को डिफरेंट वेरिएशन दे के एक अच्छा स्टाइल में यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहो। एक तो होता है लेटर ए, अब लेटर ए को बनाने के लिए, लोगों में बनाने के लिए, या आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए मैंने ओवल को यूज कर लिया। और ओवल आप अगर कहे कि ये सर यहाँ पे भी कोई हमने लाइन लगानी है, लाइन लगाने के लिए हमारे पास बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मैं इसको ओवल के थ्रू बनाना चाह रहा हूँ। ये लो कुछ इस तरह का टच देना है आपने, लो ये इसका रेप्लिका करना है। और इन दोनों को मैं यहां पे रख के इसको प्लेसमेंट इसकी करके इस तरह दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं इतने बड़े साइज की, जितना रिक्वायर्ड है यहां चाहिए यहां रख लो। अगर आप इसको ओवर द यहां रख के इसको डिजाइन को कंप्लीट करना चाह रहे हो ये भी ठीक है, ये तो बनाने वाले के ऊपर है कि वो अपने माइंड को कैसे अप्लाई करके इसको दिखाना चाह रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, और इसके थ्रू आप अपने डिजाइन को मजीद मेच्योर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। ये लो चारों को सिलेक्ट किया, इस तरह दिखाना है या यहां पे दिखाना है, ऐसे ये लो क्रिएटिविटी है, जैसे कर लो, जो चीज सीखो इसको अटेम्प्ट करके देखो कि क्या बन सकता है, किस किस तरह बन सकता है, कलर्स का क्या कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्या सेम कलर अच्छा लग रहा है या इसको डिफरेंट कर दिया जाए, दोनों को शिफ्ट के साथ सम काइंड ऑफ डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कलर्स के साथ आप जाना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। वो देखो एक सिंपल कलर को चेंज कर दे, लुक चेंज हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह आप स्क्रीन के ऊपर इसको यहां पे अटेम्प्ट करते हो। जैसे एक और यहां पे जाओ, राइट क्लिक कर दो, अगर आप इसको वैसे छोड़ दोगे तो ये मूव हो जाएगा, जब कभी गड़बड़ हो जाए फौरन अंडू कर दो कंट्रोल जेड, और ये लो जो भी बनाना चाहो, जैसे बनाना चाहो, जैसे दिखाना चाहो, अब अपने स्क्रीन के ऊपर ये डिजाइन्स बना बना के चेक किया करो, अटेम्प्ट किया करो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन लेके उसको अटेम्प्ट किया करो कि क्या क्या हो सकता है। टूल एक सादा सा टूल है, लेकिन करने के लिए आप अगर जाओ इसको अटेम्प्ट करके देखो, बहुत कुछ हो सकता है इस टूल के साथ। ठीक है, तो
तो बताने का मतलब ये है कि जब कभी आपने इस शेप को यूज करना हो, इलिप्स को यूज करना हो या थ्री पॉइंट इलिप्स को यूज करना हो, अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो ओवर योर शेप्स। ये लो, आर्क बनाना है आर्क बना लो, सर्कल रखना है सर्कल रख लो, इसको मजीद स्ट्रांग करना है स्ट्रांग कर लो, मतलब वेट बढ़ा दो, ठीक है, वेट बढ़ा के इसको एज ए शेप यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया आपने। ये लो, इसको अगर आपने कंट्रोल करना है, इसके स्ट्रोक को कंट्रोल करना है, वो मैंने आपको कल बता दिया था। ये वेट यहां से बढ़ता है, कलर चेंज कर सकते हो, यहां से इसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है करंट आपके डिजाइन के अंदर। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल। अच्छा, अभी आपको इतनी वैरायटी नहीं दे रहा पिक टूल, इतनी वैरायटी नहीं दे रहा, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो पिक टूल से, ज्यादा ज्यादा आप ये कर सकते हो पिक टूल से, मूव कर लोगे अपने ऑब्जेक्ट को, साइज कर लोगे अपने ऑब्जेक्ट को, अगर रोटेट करना है रोटेट कर लोगे अपने ऑब्जेक्ट को यहां से, ये हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यस क्यू कर सकते हो, यस क्यू होता है, यस क्यू कर रहा हूं, ये देखो यस क्यू हो रहा है, यस क्यू होता है ये। बाद अगर आपको इस तरह के स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट की क्रिएटिविटी चाहिए थी, स्क्यू करने से आपने इसको कर दिया, और जब तक आप इसको दोबारा से डिसेबल नहीं करोगे क्लिक करके, इसको मूव ना करना, इसकी सेम कॉपी निकालनी है निकाल लेते हैं, ये लो इसके डायगोनल कॉपी निकालते हैं कंट्रोल के साथ, उधर चले जाते हैं, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके साइज जरा छोटा करना चाह रहे हैं, शिफ्ट के साथ कर लो, दोबारा क्लिक करो, ये लो और साइज छोटा करना है, ये लो, जैसे दिखाना चाहो अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड इस शेप को आप बना के दिखा सकते हो। इसकी सेम कॉपी निकालनी है, कॉपी भी निकल सकती है, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट बोथ और रिपीट लाइक दिस, और इसको एज ए होल इसके अराउंड दिखाना है, कर लेते हैं साइज वाइज करो इसका, ये देखो चारों को करना है तो चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चारों जब सिलेक्ट हो जाए साइज यहां से छोटा करो, और यहां पे आप जैसे डिजाइन के अंदर उसको यूज करके दिखाना चाहो, अगर आपको सॉलिड लाइन चाहिए दोबारा से सिलेक्ट करो सॉलिड कर दो, इसमें कौन सा आपका बिल आ जाना है, तो बताने का मकसद है कि जो शेप सिखा दी हैं उससे आप समथिंग क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसको अटेम्प्ट करो, और कोई डिजाइन जिसी तरह पेज 1 2 3 4 डिजाइन बनाते जाओ, सारे यूज देखो, इलिप्स के क्या यूज हो सकते हैं, रेक्टेंगल के क्या यूज हो सकते हैं, स्ट्रोक को प्लस माइनस करके क्या क्या बना बन सकता है, किस तरह के स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी होगी आफ्टर यूजिंग दोज टूल्स। तो अगली बार अगर आपको मजीद पेजेस चाहिए, आसान से ट्रिक बताने लगा हूं, कल भी बताई थी आज फिर बताने लगा हूं, आपने जिस पेज को क्लिक किया हुआ है इसमें ऐड करना है पेज, ये प्लस से यहां से ऐड कर लो, नया पेज आ गया खाली ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज आ गया। अगर आपको इस सहूलत का नहीं पता तो मैं एक चीज बताऊं, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, नहीं चाहिए डिलीट, नहीं चाहिए लेआउट में डिलीट, खत्म, चाहे कुछ है चाहे नहीं है उसने उसको डिलीट कर देना है, पूछ रहा है कितने पेज, सिर्फ यही तीसरा, यस कर दो, वो देखो गया, इंसर्ट भी होता है पेज डिलीट भी होता है पेज, आसान सा काम, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं नए नए पेज इंसर्ट करके दिखा रहा हूं ताकि मैं नया कुछ बना के दिखाऊं, पिछला भी पड़ा रहे आगे भी बनता जाए, जैसे ये पेज 1 पे हमने ये क्रिएट किया, पेज 2 पे हमने ये क्रिएट किया। तो आपने घर में जाके प्रैक्टिस जब करनी है, एक फाइल बनानी है, उसका नाम रख देना है यूज ऑफ इलिप्स टूल, यूज ऑफ रेक्टेंगल टूल, अलग अलग नाम रखो प्रोजेक्ट्स के फाइल के, एक पेज पे कुछ और डिजाइन करो, दूसरे पेज पे कुछ और करो, तीसरे पेज पे कुछ और करो, आफ्टर फ्यू डेज देखोगे एक अच्छी कलेक्शन आपकी डिजाइनिंग की बन चुकी होगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर करके उस टूल के ऊपर कमांड ले चुके होंगे।
तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, एक फाइल बनाया करो घर में, एक फाइल बनाया करो, उसका नाम रख दो ऑल एलिप्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ एलिप्स टूल, प्रैक्टिस ऑफ रेक्टेंगल टूल, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगॉन टूल, प्रैक्टिस ऑफ स्टार टूल। और अगर एक ही में बनाना है एक ही में बना लो, लेकिन बनाने के लिए हर दफा नया पेज चाहिए होगा, तो नए पेज के लिए बेहतर तरीका ये हो सकता है प्लस पे क्लिक कर दो, एक ये हो सकता है ऑप्शन। दूसरी हो सकती है लेआउट में जाके इंसर्ट पेज पे क्लिक कर दो, दोनों ने आपके लिए एक सहूलत दी है। पेज कितने, अच्छा इसमें अगर इंसर्ट पेज करते हो, अच्छी चीज इसमें ये है मेन्यू के थ्रू आओगे, अच्छी चीज इसमें ये है, वैसे तो प्लस करने से भी आ जाते हैं पेज, ये देखो क्लिक करते जाओ पेज बनते जा रहे हैं खाली, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा इंसर्ट पेज, वो पूछेगा कितने, 3, 4, 500, 1000, जितने कहोगे नंबर बताओ बस उसको, और कमाल देखो उसका कहां तक इंसर्ट हुआ है, 6 तक, 10 पेज और आने लगे हैं, क्या नाम होंगे, पेज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और एक अच्छी चीज इसमें यह है, पूछ रहा है कि कहां इंसर्ट करूं, बिफोर 6 करूं या बिफोर 1 कर दूं, मजे की चीज, पता कहां इंसर्ट होगा, पहले पेज से पहले, जो आपने दो डिजाइन बनाए ना उन दोनों से पहले ये इंसर्ट होने लगे हैं 10 पेज। वैसे तो हम आफ्टर आमतौर पे कहते हैं, आफ्टर कहते हैं जिस पेज के बाद आपने एंटर करने हैं, दूसरे पेज से ऑनवर्ड करना है, क्योंकि इसमें 6 पेज ऑलरेडी लग चुके हैं, तो 6 पेज आपको दिखा रहा है, वो कह रहा है अगले जो आएंगे पेज वो 6ठे पेज के आगे आएंगे, अब 6ठे पेज से पिछले लेके आने हैं, पहले पेज से पहले लेके आने हैं, वो आपने यहां से डिसाइड कर लेना, बिफोर और आफ्टर। आगे बताओ पेज नंबर 1, क्या साइज देना है तमाम का, ये भी मजे की चीज है, हो सकता है आपने बिजनेस कार्ड बनाने हैं, आपने बिजनेस कार्ड बनाने हैं, अगले दो 10 पेज पे बिजनेस कार्ड बनाने हैं, तो हम बिजनेस कार्ड ले लो, ये लो कहाँ है बिजनेस कार्ड, इसमें अब बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, 3.5x2 बना दें, कितने पेज लगेंगे, 10 पेज आएंगे और 10 के 10 का साइज 3.5x2, ओके करूं, ये लो चेक कर लो, ये देख रहे हो पेज ही पेज। और अगर आपने एंड पे जाना हो, ये लास्ट है, आया कि नहीं आया सामने पेज नंबर, और आपको याद होगा कल मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू जब करवा रहा था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि जितने पेज आएंगे वो यहां पे आ जाते हैं, देख रहे हो, और हर पेज में क्या क्या होता है, दो चीजें मेन होती हैं, एक गाइड्स एक लेयर, जब तक कुछ नहीं बनता लेयर आपकी खाली होती है, जब बनना शुरू हो जाता है लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, ये देख रहे हो पेज ही पेज, कितने पेज, 16, किस पेज पे जाना है, पहले पे, ये लो ये पहला पेज सामने आ गया, दूसरा ये दूसरा आ गया, ये कंटेंट इसका, और मजे की बात है चूंकि आपने स्टार्ट में 10 के 10 ऐड करवा लिए, शुरू में आ गए 10, 11वें पे वो पेज होगा जो आपने बनाया था शुरू में, वो ये है, ये देखो ये है ना डिजाइन, 12वां वो होगा जो आपने बनाया था, क्या इसकी साइंस समझ आई है इंसर्ट की, तो इसमें ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, कितने पेज लेके आने हैं, कहां पे रखने हैं, कितने पेज लेने आने हैं और कहां रखने हैं, ये दो चीजें, और साइज क्या बताना है, अगर तो सेम साइज चाहिए था लेटर ले लेते, लेकिन आपने साइज डिफरेंट करना था, आपके प्रोजेक्ट की डिमांड थोड़ी डिफरेंट थी कि यार ठीक है 2 पेज के ऊपर आपने कवर पेज बना दिया, बाकी 10 कार्ड मुझे बनाने हैं 5 लोगों के, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि पेज 1 पे है क्या, किस बंदे का कार्ड बनाना है, पेज 1 पे किस बंदे का कार्ड बनाना है, क्या मैंने आपको कार्ड बनाने के टास्क दिया था कुछ रोज पहले, बनाया था कुछ, कोशिश नजर नहीं आई, ये बनाए हैं, अच्छा ये देखो इसका मतलब, ये देखो मैंने फिर क्लिक कर दिया एक और पेज बन गया,
जितने पेज गए थे मजीद पेजेस बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं। 16 पेज थे ना, अब कितने हो गए चेक करो। एक पेज और इंसर्ट कर दिया, पेज नंबर 17 भी आ गया ये सामने। ये है जी आपका वो पेज जिस पे हमने डिजाइन बनाया था, आते ही ये उससे अगला पेज जो था। ये इस तरह इन पेजेस को आप बना सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूं इस पेज को लेके जाना है शुरू में, आ गया कि नहीं आ गया? जो 11वें नंबर पे पेज था वो आ गया कि नहीं आ गया पहले नंबर पे? ये है ना हमारा पेज की तरह। ये किस नंबर पे पड़ा हुआ है? 12वें नंबर पे पड़ा हुआ है। क्या इसको लेना चाहो शुरू में जैसे था? गलती हो गई मुझसे अरेंजमेंट में, अब कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात। ड्रैग करके ड्रॉप कर दो दूसरे नंबर पे, या पहले नंबर पे लेके जाना है दूसरे नंबर पे। ये लो आ गया कि नहीं आ गया दूसरे नंबर पे, पहले पे ये दूसरे पे ये। तरतीब को किसी वक्त भी आगे पीछे किया जा सकता है पेजेस की। अगर इंसर्ट गलती से हो भी गया है तो फिर क्या हुआ, अब बाद में इसको सेट कर लो यहां से। बड़ी मजे की चीज है ये ऑब्जेक्ट मेन्यू जो है ना, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू से आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने पेजेस को। और अगर मैं आपको ये कहूं जनाब ये जितने पेजेस बनाए हैं फालतू सब निकाल दो, इसे बोलते हैं डिलीट कर दो। कहां से लेके कल आए तो बताओ, पेज नंबर 3 से लेके कहां तक डिलीट करना है? 17 तक। क्या मैं डिलीट ना कर दूं? एक तरीका डिलीट करने का ये होता है जो मैं करने लगा हूं। ये देखो 17वां पेज आखिरी, ये यहां पे भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? डिलीट कर दूं क्या 17वां पेज? हालांकि बनाया कुछ नहीं, खाली है, डिलीट कर दो। चलो चला नहीं गया, कितने रह गए अब, कितने रह गए स्टूडेंट्स? 16 पेज। राइट क्लिक, एक तरीका डिलीट करने का ये है। दूसरा तरीका डिलीट करने का ये है। तीसरा डिलीट करने का तरीका ये है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। हाँ अगर मेन्यू के थ्रू आओगे आपके पास बड़ी जबरदस्त ऑप्शन आती है, आप इकट्ठे डिलीट कर सकते हो। कहां से डिलीट करने में बताओ, पेज नंबर 3 से लेके 16 तक एक ही गो में डिलीट। ये लो बताओ कहां से लेके कहां तक, क्या लिखा हुआ इधर 16, कहां से स्टार्ट करें? 3 से कहां तक? थ्रू, पहला बता दो आखिरी बता दो, दरमियान वाले सारे उड़ जाएंगे। कर दूं क्या? ये लो कितने रह गए, पहला किधर गया हमारा, हो भी गया। अच्छा अंडू कर दो, अंडू कर दो, गलती हुई ठीक कर लेते हैं दोबारा से। फिर जरा चेक कर लेते हैं कहां पे पड़ा हुआ है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, मैं यहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, यहां से करना है ना। ये देखो पहले इसको क्लिक कर दो, लेआउट में जाओ, क्या लिखा हुआ है? डिलीट पेज, कहां से? 3 से कहां तक? आखिरी कौन सा है? 16। अब 16 से आगे जा भी नहीं रहा क्योंकि आखिरी है वो। क्या आपको आज की डेट में पेजेस बनाने आ गए, पेजेस डिलीट करने आ गए? क्या आप यहां से पसंद करोगे डिलीट करना, यहां से पसंद करोगे डिलीट करना, या यहां से आप पसंद करोगे डिलीट करना? इंसर्ट करना, डिलीट करना आसान। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये डिजाइन बड़ा प्यारा बन गया है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करके कुछ और क्रिएट करता हूं, मजीद कुछ अच्छा ये भी रहे, एक और बना लेते हैं, इसमें कुछ मजीद चेंजेस करूंगा। इसे बोलते हैं डुप्लीकेट बनाना। फोटोकॉपी होती नहीं, जैसे फोटोकॉपी क्या करती है, जैसा का पेज है वैसे कॉपी कर देती है, ये क्या करता है? राइट क्लिक करो, एक और ऑप्शन सीख लो, क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट, यहां देखो क्या लिखा हुआ है डुप्लीकेट। ये देखो लेआउट में क्या लिखा हुआ है डुप्लीकेट, क्लिक कर दो। क्या कह रहा है जरा गौर करना, क्या कह रहा है जरा, इसको मैसेज को जरा पढ़ना। डुप्लीकेट पेज, किस पेज को? पेज नंबर 2 को। करने के बाद इसको कहां रखे, आफ्टर या बिफोर? आफ्टर किसके? अच्छा
अच्छा एक चीज और इसमें गौर कीजिएगा, क्या मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताया कि लेयर होती हैं, एक होती है, दो होती हैं, तीन होती हैं, लेयर्स होती हैं, बताया था मैंने लेयर्स का? अभी तक लेयर्स का नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया, ठीक है। ये देखो, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कंटेंट के साथ चाहिए या कंटेंट के बगैर चाहिए डुप्लीकेट। भाई कंटेंट के साथ चाहिए, तो आप यहां पे ऑप्शन का नाम क्या है, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। अगर ये आपने ऑन कर दिया, कंटेंट नहीं आएगा। कंटेंट मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, टेक्स्ट है चाहे शेप्स बनी हुई, वो नहीं आएंगी, ये कंटेंट होता है इसका। तो कंटेंट चाहिए ना, डुप्लीकेट बनाना है कंटेंट के साथ बनाना है। चेक करो क्या एक नया पेज बना, पेज नंबर 3, जो 2 का क्या है, डुप्लीकेट। अब इसमें मिसाल के तौर पे इस डुप्लीकेट वर्जन में आपको चेंजेस करना चाह रहा, चेंजेस ये करना चाह रहा, शिफ्ट 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 शिफ्ट, यू वॉन्ट टू रोटेट लाइक दिस, ये आप चेंजेस करना चाह रहे थे। ये लो एक, ये आपके पास इसका वर्जन आपने क्रिएट कर दिया ऐसे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके एक आपने डिजाइन ये रेडी कर दिया, एक इसके बराबर में पड़ा हुआ। भी हो सकता है क्लाइंट कह रहा है यार दो तीन डिजाइन तो बना के भेजो, तो आप कहते हो यार क्या करूं, वो डिजाइन जो ऑलरेडी बना हुआ था उसमें कुछ चेंजेस वेंजेस करके कुछ और चीज बना दो, जैसे मैंने बनाई, ये देख रहे हो डुप्लीकेट से, मैंने डुप्लीकेट पहले बनाया फिर उसके ऊपर कुछ और अटेम्प्ट करके दिखा दिया डिफरेंट, ठीक है। जैसे मजीद इसको कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनका कलर स्ट्रोक का मैं रेड कर देता हूं, दिस वन एंड दिस वन, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं, और सिर्फ ब्लू ही नहीं करता बल्कि इसके ऊपर लाइन का स्टाइल भी चेंज कर देता हूं, चेक इट, वेट भी बढ़ा देता हूं, डिजाइन में मैंने कुछ चेंजेस कर दी, ये डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस वन, ये था लुक डिफरेंट कर दिए, ठीक है। इस तरह और भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं, एक शिफ्ट, दो तीन चार, कंट्रोल के साथ, ये साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं चारों का, ये एक दो तीन चार, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो देखो, इधर हो रहे कि नहीं हो रहे सिलेक्ट, उधर से कंफर्म कर लो, इधर से देख लो, शिप के साथ साइज छोटा कर देता हूं, और यहां करके इसको प्लेस कर देता हूं, और इन चारों को एक दो तीन चार कंफर्म कर लो। ये देखो इधर लेयर पैनल पे सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, नहीं हुए यहां से कर लो, कंट्रोल कंट्रोल, चारों हो गए, वेरी गुड, यहां रख दिया। डिजाइन क्या डिफरेंट नहीं हो गया पिछले से? स्टार्ट कहां से ली थी हमने, डुप्लीकेट बना के, डुप्लीकेट जब बना लो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन डालो और उसको डिफरेंट अंदाज में बनाने की कोशिश करो। एक क्लाइंट के एक से ज्यादा डिजाइन रिक्वायर्ड हो सकते हैं, एक पसंद नहीं आया दूसरा अप्रूवल हो जाए, वेरी गुड। अब ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है टोटली, लेकिन आपने अपने कुछ स्किल्स को दिखाया है इसके ऊपर परफॉर्म करके, अपने स्किल्स को टूल्स को इस्तेमाल किया, थोड़ा डिजाइन में थोड़ा ऑल्टरेशन करके बना दिया। तो आज की डेट में आपने एक चीज और जो सीखी है मेरे साथ, ये राइट क्लिक करके इन ऑप्शंस को आपने सीखा। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन नहीं आती पूछ लो, बता देता हूं, पेज का नाम रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पेज का नाम कोई है? यस है, क्या नाम है इसका, पेज 3, ये क्या वाला नाम हुआ, इसका नाम क्या है, पेज 2, इसका नेम क्या है, पेज 1, आप कह रहे हो नो यार नाम को मुनासिब रखो, ये क्या हुआ पेज 1 पेज 2 पेज 3, नाम इसका रख दो डिजाइन 1 या कवर पेज, आगे डिजाइन विद एलिप्स टूल, आगे डिजाइन विद दीज डिफरेंट शेप्स स्ट्रोक प्लस, ये तो नाम इसका चेंज कर सकते हो। ये देखो
बालगर पता क्या होता है, आपको पेजेस के नेम्स कंफ्यूज करते हैं, तो पेज का नाम ऐसा रखो जो कंटेंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको पता हो इसके अंदर क्या है, क्लिक करने से पहले पता हो कि क्या है। रीनेम कर दूं क्या नाम इसका मुनासिब समझते हो? प्रैक्टिस ऑफ एलिप्स टूल, नाम रख दूं क्या इसका? रीनेम नाम रख दो, प्रैक्टिस ऑफ एलिप्स, प्रैक्टिस ऑफ एलिप्स, एंटर। बोले बेहतर नहीं हो गया? तो मैच्योरिटी आ रही है काम के अंदर। आपने नंबर ऑफ पेजेस जब बनाओगे तो आप उनके नेम्स भी रखने शुरू कर दो रीनेम करके, और ये नाम सिर्फ इधर ही नहीं नजर आ रहा, इधर भी नजर आ रहा है, ये चेक करो। अब आपके लिए ना ये एक बड़ा गनीमत वाला टूल आ गया, ऑब्जेक्ट है। फायदा क्या होगा, यहीं से आपको पता चलेगा अच्छा किस पेज पे जाना है, इस पे इसका नाम चेंज कर दो। क्या नाम रखूं? लोगो विद लेटर ए, ऐसा नाम रख देते हैं। रीनेम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तीन चार तरीके हैं इसके, तीन चार तरीके देख लो। पहला लेआउट, ये क्या लिखा हुआ है, रीनेम दे दो नाम। क्या नाम देना पसंद करोगे? लेटर ए, लोगो। हेलो, आया कि नहीं आया नाम वहां पे? तीसरा पेज ये है ना, यहां पे क्लिक कर दो, ये यहां से चले जाओ। एक ही बात है, रीनेम करने का दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया ना लेआउट में रीनेम, थर्ड वाली ऑप्शन। दूसरा तरीका ये, राइट क्लिक करके, क्या इधर नहीं रीनेम आ रहा है, यहां से कर लो। तीसरा तरीका, क्या इधर आपके पास जो क्लिक किया ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर, राइट क्लिक करके, क्या इधर रीनेम नहीं आ रहा? ये क्या नाम देना है इसका? लेटर ए, लोगो विद स्ट्रोक्स। नाम थोड़ा सा मच्योर रखो, पता होगा मैंने किया क्या इसके साथ, इस पेज के ऊपर मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया है, उसका नाम थोड़ा डिटेल में रख दो। अब फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको अब खबरना नहीं पड़ेगा, आप नाम को देखोगे अच्छा लेटर ए पे काम किया है, ये लो। अभी मैंने क्लिक नहीं किया मुझे पता है ये प्रैक्टिस एलिप्स की है कुछ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया मुझे पता है एक से रेलेवेंट कुछ लोगो बनाया है। चाहे आप यहां पे क्लिक करके चले जाओ ऐसे ऐसे, इसका मतलब स्टूडेंट्स आज की डेट में लेआउट मेन्यू के हवाले से क्या आपकी इन ऑप्शन को मैंने बता दिया, इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, और ये क्या है, गो टू पेज। मिसाल के तौर पे एक कैटलॉग बन रहा है, एक मैगजीन बन रहा है, 300 पेजेस है उसके, अभी तो कितने हैं, तीन हैं, 300 पेजेस हैं। आपने 300वें पेज पे जाना है, आपने 250वें पेज पे जाना है, आपने 200वें पेज पे जाना है, आपने 199वें पेज पे जाना है, तो आपके लिए मुश्किल होगा इस पे काम करना। मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से ना कोई 15-20 पेज इंसर्ट करता हूं इकट्ठे, सिर्फ गो टू को समझाने के लिए। ये देखो इंसर्ट पेज, कोई मैगजीन है मेरा, वो 100 पेज मजीद ऐड करने लगा हूं। कितने हो जाएंगे टोटल, 100 और 3, 103, आफ्टर 3 पेज, ओके जाने दो, सेम साइज, यस ओके। ये लो पता कितने पेजेस बन गए आपके, 103, सारे नंबर आपको नजर आ रहे हैं, खाली कुछ भी नहीं है उसके अंदर भी। लेकिन अगर आपने किसी पेज पे जाना हो, आपने जाके लास्ट पेज पे जाना हो, आसान सी ट्रिक बताऊं, ये आपको नजर आ रहा है हैंडल, ये वाला एंड पे, ये लास्ट पेज पे जाने के लिए, ये लो कौन सा पेज सामने आ गया, पहले पे जाने के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम इधर, कौन सा पेज आ गया, पहला, अगले पे जाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अगर इस तरह आपने 90वें पेज पे जाना है, 90th पेज पे जाना है, टाइम नहीं लगेगा आपको, आसान सा काम। लेआउट, जंप टू विच पेज, पेज नंबर 90, ये लो 90, ओके ये लो 90 पेज सामने आ गया, पेज नंबर 90 नजर आ रहा है। अभी बनाया बनाया कुछ नहीं है, वैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आज मैंने लेआउट मेन्यू भी आपको यहां तक करवा दिया,
और ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको इंशाल्लाह ना तो समझने में मुश्किल हुई है, बिल्कुल आसान सी ऑप्शन है यहां तक। बाकी ऑप्शन अभी मैं आपको अभी नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको दोबारा से टूल की तरफ लेके आ रहा हूं। बाकी ऑप्शन आने वाले दिनों में ये आपको करवाऊंगा सारे। उम्मीद है आपको इंसर्ट पेज की समझ आ गई, डुप्लीकेट पेज की समझ आ गई, रीनेम की करने की समझ आ गई, डिलीट पेज करने की समझ आ गई, गो टू पेज की। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कैटलॉग 15-20 पेजेस का तो होता है ना, या 10 पेजेस का तो होता है ना, तो बुक होगी, कोई मैगजीन होगी, 50-60-100 पेज तो होंगे ना, तो आपने उसमें नेविगेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी ऑप्शंस कोई मुश्किल नहीं है। ये नीचे वाली ऑप्शन अगर आपको नहीं, मैं इस वक्त करवा रहा हूँ, उसकी रीजन है, वो आपको 1-2 दिनों के बाद ये रीजन भी समझ आ जाएगी। और जब मैं ये करवा दूंगा, इससे आपका बहुत सारा मसले हल हो जाएंगे पेजेस से रेलेवेंट। और मेन्यू का नाम क्या, ऊपर देखो, लेआउट, आपकी फाइल के अंदर जो पेजेस बन रहे हैं उनके लेआउट बना रहे हो, लेआउट की नए इंसर्ट करने, लेआउट नए पेजेस इंसर्ट करने, लेआउट करंट का डुप्लीकेट बनाना है, करंट पेज का नेम चेंज करना है, जो करंट पेज है आपको फिनिश करना है, किसी पेज पे जंप करना है, लेआउट मेन्यू के अंदर ये 5 ऑप्शन मैंने आज आपको बड़े तरीके से समझा दिए। अब आ जाओ दोबारा टूल्स पे, हम बात कर रहे थे सर्कल की। सर्कल का अब मुझे बताओ, क्या आप जब कोई शेप बनाते हो, चाहे एलिप्स बनाते हो, चाहे आप सर्कल बनाते हो, यहां से आपको समझ आ गई सारी चीजों की। अब जो चीज समझ नहीं आई है वो बताने लगा हूं। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं, सर ये जो लाइन की लेंथ है, जो गैप आपको नजर आ रहा है, क्या इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। कहां से? यहां से। थोड़ा सा इसकी मैं थिकनेस बढ़ा दूं तो आपको नजर आए, ये देखो, चेक करो, ये जो ऑप्शन थी ना, ये काम करने के लिए थी। आपने यहां पे अपना नाम लिखना है, यहां पे आपने नाम लिखना है, ये चारों लाइन ऊपर चली जाए, ये लाइन यहां करके आ जाए, दरमियान में आपने अपना नाम लिखना है। आसानी से आप ये काम कर सकते हो, ये देखो, योर नेम इज अमान, पूरा नाम क्या है, ये इन्होंने अपना नेम का काइंड ऑफ लोगो यहां पे देना है। इसी तरह आप भी दे सकते हो अपने अपने नाम, ठीक है, ये नाम। अब इस नाम के ऊपर फॉन्ट को अच्छा सा लगा लेते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में नजर भी आ रहा है चेंज होता हुआ। यहां से आप डिसाइड कर लो, पहले तसल्ली कर लो कौन सा सही रहेगा। मिसाल के तौर पे ये चाहिए, अब ये आपने यहां रखा, अब आपने लाइंस को डिसाइड करना है, नाप तोल के, दरमियान में गैप हो और ये सराउंडिंग में ये सर्कल आपको एलिप्स नजर आ रहा है। अब इसको कैसे सेट करेंगे, ये देखो, सिलेक्ट किया एलिप्स को, ये वो आपके एंगल वैल्यू है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल, दिस इज अ स्टार्टिंग एंड दिस इज अ एंडिंग, ये देखो बर्डन एंडिंग पॉइंट की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, यहीं रखना है, ठीक है। अब दीजिए राजू, देख रहे हो कितने आराम से आपका, कितना मुश्किल काम आराम से हो गया। अब आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो, इस तरह शो करना चाह रहे हो, ऐसे रखना चाह रहे हो, ये लो, और किस तरह आपका एक सिंपल सा सर्कल को आपने आर्क में कन्वर्ट किया, और आर्क की वैल्यू को आपने बड़े तरीके से दोनों तरफ से हैंडल कर दिया। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन आ जाती है, रिवर्स करने के लिए होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, वेट बढ़ाने के लिए ये होता है, इसका कलर सेट करने के लिए ये होता है, राइट क्लिक करना है नॉट लेफ्ट, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, अगर आपको प्रॉपर्टीज सिखा दी हैं तो प्रॉपर्टीज में चले जाओ। और इन ऑप्शंस को आप बड़े तरीके से, कमाल तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर चाहो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो कि डिस्टेंस है दरमियान में, वहां पे एरो हेड और टेल भी लगा सकते हैं, ये यहां से लगती है, चेक करो, क्योंकि ओपन हो गया पाथ, अब मैं ये भी लगाना सिखा रहा हूं, ये देखो कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है, ये देख रहे हो, ये आपकी टेल आ गई, हेड भी दे दो,
कैसे किया? दोबारा से देखो, आपने जब उसको ओपन कर दिया था, पाथ ओपन है ना, एक आर्क है, सर्कल अगर कर दूंगा तो नहीं होगा, ये देखो सर्कल पे ये काम नहीं होगा जब तक इसका पाथ ओपन नहीं होगा, ये क्लोज है, टोटल क्लोज है। आपको ओपन करने के लिए जाना पड़ेगा आर्क पे, जैसे आर्क पे जाओगे आपको ये विजिबल हो जाएंगे हेड एंड टेल। ये कहां से ऑन ऑफ होते हैं? ये आपके आउटलाइन में ही ऑप्शन कलर की है, कर दिया, साइज की है, आउटलाइन विड्थ कर दिया। ये ऑप्शंस मैंने आपको कल थोड़ी सी बताई थी, मजीद एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी मैं फौरन से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं एरो हेड एंड टेल। इफ यू वांट टू डिजाइन समथिंग लाइक दिस, तो इसकी पोजिशन कैसे करनी है, इसका साइज कैसे करना है, एरो हेड एंड टेल, ये आप खुद भी बना सकते हो। चेंज करते हैं जरा इसको, ठीक है, दिखा हुआ। ये एट्रीब्यूट शेयर करने के लिए, अच्छा अभी थ्री डॉट्स दोनों के नजर आ रहे हैं, एरो हेड के भी, टेल के साथ ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये आपका क्या है? स्टार्ट एरो हेड है, ये क्या है? एंड एरो हेड है। अब एंड वाला करना है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ठीक है, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। चलिए अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो, ये बड़े आराम से मैंने आपको बता दिया था कि यहां से कर, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये जो एरो हेड है या टेल है जिसको हमने बड़े कमाल तरीके से सेट किया और अपने नाम को उसके अंदर दिखाया, क्या ये तब्दील हो जाती है या साइज हो जाता है? यस यू कैन डू इट। उसके लिए आपने जाना है थ्री डॉट्स पे, स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है? चेंज करना है, हेड को टेल बना दो, टेल को हेड बना दो, हो रहा है? दिस इज नोन एज स्वैप। यहां से कर लेना, इसमें भी है, चाहे स्वैप इधर से कर लो या वहां से कर लो, एक ही बात है। बाकी ऑप्शंस भी हैं, उसको भी देख लेते हैं, वो है एट्रीब्यूट्स। स्वैप तो समझ आ गया, नन करोगे खत्म कर देगा, वो देखो निकाल दिया, यहां से आपको दोबारा स्ट्रेट कर दिया, आप इसको दोबारा से सेट कर लो, कुछ और लेना ये लो, ये अच्छा नहीं लगा कुछ और अटेम्प्ट करना ये ले लो। एक आपके पास काफी सारे ये अवेलेबल हैं, आप इनमें से जो पसंद करो आप इसमें से सेट कर सकते हो ऑन योर ओपन पाथ लाइक दिस। अब आ जाओ इसके थ्री डॉट्स का डिटेल जरा मेरे साथ पढ़ लो, ये डिटेल है इसकी थ्री डॉट्स की। नन की तो समझ आ गई, हेड हो या टेल हो बंद करने के लिए यहां चले जाओ, या स्टूडेंट्स यहां पे जाके ये जो लिस्ट थी ना इसी में टॉप पे चले जाओ, ये नन यहां से भी हो जाता है, कोई जरूरत नहीं थ्री डॉट्स पे आने की, यहां से भी हो जाता है, दूसरा यहां से भी हो जाता है, नन अगर करोगे नन हो जाएगा, स्वैप करोगे इंटरचेंज कर देगा। अच्छा अगली बात, आपने एडिट करना है, एट्रीब्यूट्स हैं या एडिट करना है, ये देखो, या न्यू बनाना है, न्यू भी बना सकते हो। अगर आपसे कोई कहे क्या कोई तरीका ऐसा है कि आप अपनी एक शेप बनाओ और उसको एरो हेड या टेल में ऐड कर दो, अभी मैं आपको न्यू बनाना नहीं सिखा रहा, अभी एडिट करते हैं, चेक करो ये एडिट मोड में है इस वक्त, दिख रहा है क्या? इसकी लेंथ छोटी करनी है, ये लेंथ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, क्या इसको थोड़ा आगे करना है? चेक करो, लाइन से आगे बढ़ जाएगा, ये देखो लाइन रहेगी पीछे, एक तो ये बहुत बड़ा है, एरो हेड और टेल बहुत बड़ी है, देख लो 214 पॉइंट्स हैं और 352 पॉइंट्स हैं, बहुत बड़ा एरो हेड है टेल है, कितना कर दूं? आधा कर दूं, 100 कर देते, लेंथ 100 कर दी, और वो देखो यहां पे आपको इफेक्ट नजर आ रहे हैं, वहां अभी होंगे, कब होंगे? जब ओके करोगे, अभी नहीं हो रहा। यहां से हमने लेंथ भी 100 कर दी और इसकी विड्थ भी चलो 110 कर देते हैं, चेक करो। और ये गैप क्यों आया स्टूडेंट्स?
क्योंकि आपने इसको एरिड मोड में इसको आगे की तरफ पुश कर दिया था। क्या इसके करीब लाना, एरिड कर लो। ये गैप आ रहा है ना, ये देखो ये वाला गैप, ये यहां से आपने सेट किया। कि कैसे किया था आपने, इसको यूज किया था, इसकी वैल्यू को चेंज किया था, कहां से किया था, ऑफसेट से। अच्छा इसको ऊपर भी कर सकते हो, चेक करो, ये लाइन से हटके ऊपर की तरफ चला गया। वाई एक्सिस का मतलब ये होता है, एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है पीछे की तरफ लाना है या उसको आगे की तरफ लेके जाना है, वर्टिकली ऊपर की तरफ लेके जाना है एरो हेड को या लाइन से हटके नीचे की तरफ लेके आना है। ये चेक करो, क्या लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, सेंटर में रखना है ना, सेंटर में इसको ले आओ, ये वर्टिकली मूवमेंट है इसकी, सेंटर में ले आओ, उसको जरा जोड़ देते हैं, इसके साथ लाइन के साथ जोड़ देते हैं, ये यहां से सेट होगा, ये डिस्टेंस हो रहा है, करीब लेके आऊं, ये देखो ये गैप जो आपको नजर आ रहा है ना, गैप खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल टच कर दें लाइन के साथ, ये लो। क्या आप इसको मिरर करना चाह रहे हो, मतलब इस तरह का हेड पलट जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये देखो अंदर की तरफ उल्टा दिया उसने, बाहर की तरफ इधर, उसका हेड इधर रखना है या हेड इधर रखना है, ये यहां से हॉरिजॉन्टल मिरर कर सकते हो, जरूरत नहीं है, वर्टिकल भी कर सकते हो, वर्टिकल इस वक्त आपको नजर इसलिए नहीं आएगा कि ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको फर्क पता ही नहीं लगेगा। ओके करते हैं, ये देखो इसको आप कंट्रोल करोगे, इसको मजीद आप कंट्रोल करोगे, इस वैल्यू को आप यहां से सेट करोगे। अब आप इसको किस तरह करोगे, कैसे करोगे, स्केल से करोगे, ये आपने एडिट करना है स्टूडेंट्स। एडिट करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट में जाना है, और एडिट में जाके इसको आप मजीद कंट्रोल करोगे। ओके नहीं किया था हमने, अच्छा वेट के मुताबिक उसको कर रहे हैं। अच्छा एक काम और करता हूं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आपको समझ आ गई, इसको रोटेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रोटेट यहां से होता है, चेक करना बाल का डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ उसका जो है वो फेस करना है या ऊपर की तरफ करना है, कि यहां से कर लेना, और ये ओके करने पर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये देखो ओके करते हैं। अच्छा बाल बाल ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती, बात बिगड़ जाती है, मतलब सेटिंग सही नहीं हो रही होती, जैसे मुझसे नहीं हो रही, रीसेट कर दिया करो, रीसेट से उसको दोबारा से नॉर्मल वैल्यू पे ले जाएगा, और ये वैल्यू जो है इस वक्त 67, ये रेशियो है, ये प्रपोर्शनली इसको सेट कर रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको इकट्ठा एक जैसा रखना है, यहां से कर लो 100, उसको भी 100, दोनों एक जैसी वैल्यू मैंने सेट कर दी। प्रोपोर्शनल का मतलब पता क्या होता है, कि एक वैल्यू सेट करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली होगी, एक को करने की जरूरत है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वो वैल्यू बढ़ाओगे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, वो वैल्यू कम करोगे नीचे की वैल्यू कम होगी। ये देखो चेक करो, दोनों इकट्ठी नहीं हो रही चेंज, क्योंकि ये ऑन है। अगर आप एक को डिफरेंट रखना चाह रहे हो, एक को डिफरेंट रखना चाह रहे हो, तो इसको ब्राय मेहरबानी ऑफ रखना, मतलब लेंथ आपने कुछ रखनी है, देख रही है लेंथ उसकी चेंज हो रही है, खींच रहा है उसकी लेंथ को, 200 कर देते हैं, ये लो चेक करो, उसको स्ट्रेच कर रहा है। अब विड्थ वाइज करना है तो विड्थ वाइज ये नीचे, ये विड्थ को कंट्रोल कर रहा है, और ये ऑफसेट है, एक्स एक्सिस है, रोटेशन है, ये आप करके ओके करोगे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप कम ज्यादा करके इसको यहां से कंट्रोल कर लेना, ये गैप बहुत ज्यादा आ गया, इसको करते हैं ठीक।
इसको गैप को कम करते हैं। अच्छा, बाद का तो आप को रिक्वायर्ड होता है, आप यहां से एरो हेड एंड टेल को अटेम्प्ट करोगे, चेंज करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और लेके आना है, ये लो देख रहे हो, एक नया टच दे दिया। बाद आपको ये इस तरह रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप इसको स्वैप करोगे तो उल्टा कर देगा, यहां से कर लेना। अब आपको मैं एट्रीब्यूट्स में लेके चलता हूं, आप स्टूडेंट नया भी बना सकते हैं, ये न्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एरो हेड एंड टेल आप खुद से भी अपना सेट कर सकते हैं। ये आपको एरो हेड टेल आप यहां से प्रोपोर्शनली, इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो, अभी जो बने हुए हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये लिस्ट है, इसमें से जो एरो हेड टेल यूज करना है, बस इसका एक ख्याल करना है आपने, पाथ क्लोज नहीं होना चाहिए, पाथ आपका ओपन होना चाहिए। सर्कल अगर है नहीं लगेगा, पाई है नहीं लगेगा, आर्क है तो अटेम्प्ट होगा, या कोई ऐसी शेप हो जो ओपन हो, जैसे ये मैंने आपको नहीं करवाया टू, ये सारी ओपन शेप्स हैं, देख रहे हो, फ्री हैंड चेक करो, ये ओपन है, वेट बढ़ाऊं, इस पे लग सकता है एरो हेड टेल, सब कुछ होगा, ये देखो लग रहा है एरो हेड टेल, इस पे भी वही सारी चीजें हैं, क्या स्वैप एडिट डिलीट भी कर सकते हो लिस्ट में से, अभी मैं नहीं कर रहा डिलीट, मैं नहीं करना, मैंने कोई बनाया होगा तो डिलीट करूंगा ना, मैंने अभी तो बनाया कुछ नहीं, अभी तो जो ऑलरेडी लिस्ट में है उसी को हम यूज कर रहे हैं, और उसकी वैल्यूज को आप यहां से। अच्छा, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में मैंने आपको ये बोला कि आप इसके इनसाइड एक्स वैल्यू वाई वैल्यू को आप कंट्रोल करना हो, यहां से कर लीजिएगा, मैं अब इसको नहीं करता बल्कि इसी को करता हूं जो ऊपर बना हुआ है, सिर्फ यह बताने की मैंने कोशिश की है कि जब तक पाथ ओपन नहीं होगा एरो हेड टेल नहीं लगता, समझे बात स्टूडेंट्स, मतलब पाथ ओपन नहीं होगा एरो हेड टेल नहीं लगता। अब यह है, क्या इस पे एरो हेड टेल लगेगा, आपको नजर आ रहा है इसके कोई ऐसा सीन कि ओपन है कहीं से, नो, करके देख लो, ये देखो कहीं कोई ऐसी चीज नजर आई है आपको, ओपन इस वे पाथ के ऊपर ऐसी चीज को प्रेजेंस नजर आई है कोई अभी तक ओपन आपकी यहाँ पे इस, क्योंकि ये शेप आपकी टोटल बंद है, इसे बोलते हैं क्लोज पाथ, एक होता है ओपन पाथ। हाँ, अगर आप में से कोई कहे कि सर ये ओपन हो सकता है, क्वेश्चन ये है क्या ये ओपन हो सकता है, एक रेक्टेंगल है, क्या इसको ब्रेक करके अलग कर सकते हैं बाउंड्री को, क्वेश्चन है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अभी तक मैंने नहीं बताया कि आप किसी बाउंड्री को जो क्लोज होती है, जैसे सर्कल है या रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन, मैं आपको बताऊंगा स्टार बताऊंगा, अगर आपको मैं कहूं कि ये ओपन भी हो जाती है, उसके लिए लाजमी आपको एक टूल सीखना पड़ेगा, टूल आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं, ये हमारे अगले 2-3 लेसन में ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल का नाम पता क्या है, शेप टूल। इससे होता क्या है, इससे आपको स्क्रीन के ऊपर ये यहां पे पॉइंट्स नजर आएंगे, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ जो अभी हो सकता है काम, इसके कॉर्नर्स को राउंड किया जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, एक आर्च सी बन गई है, रेक्टेंगल था जिसको आर्च में कन्वर्ट कर दिया, अंडू कर दो, दोबारा सुनो, इस शेप टूल का काम ये अकेला नहीं है, इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, लेकिन ये इसका समझ लो लीडर है, ये मेन हेड है इसका, शेप, शेप के अंदर स्मूथ स्मियर ट्विरल सब कुछ सिखाऊंगा, अभी मैं F10 फुट शेप को, अभी आपका इस्तेमाल इसमें क्या है इस शेप टूल का, कि किसी एक कॉर्नर को अगर आप हिट करते हो क्लिक करते हो राउंड कर सकते हो, इसको क्लिक करके राउंड कर सकते हो, मजे की बात है, ये मैंने कल भी सिखाया था, शेप टूल के बगैर सिखाया था, वो ऊपर पड़ा हुआ है वो, और वो देखो उसकी वैल्यूज आपको चेंज होती हुई नजर भी आ रही है, दोनों कॉर्नर्स की वैल्यू देखो चेंज हुई भी है, 3.1 समथिंग है ना दोनों, ये इसका मतलब ये काम तो आप इधर से भी कर सकते थे, कि कर रहा हूं मैं, ये देखो जो नहीं है उसको करके दिखा देता हूं, ये लो ये तो काम आप इधर से कर रहे हो ना, लेकिन आपके लिए एक सपोर्ट में टूल आ गया है जिसका नाम क्या है,
शेप टूल, और उसने आपके लिए थोड़ी सी और आसानी पैदा कर दी है। अंडू कर देता हूं। लगूंगा कितने देर आएगा। अच्छा, शेप टूल का इस्तेमाल बड़ा लिमिटेड सा होता है रेक्टेंगल पे, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि शेप टूल बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अभी तक इसकी पावर शो नहीं हो रही। ज्यादा ज्यादा क्या पावर है इसकी? पिक टूल और शेप टूल में क्या फर्क है? पिक टूल से आप इसका साइज कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, इसको स्क्यू कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, लेकिन आप इसे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। ज्यादा ज्यादा रोटेट ज्यादा कर लोगे, ये रोटेट हो जाएगा। शेप टूल से आपको एडवांटेज ये मिला कि किसी एक पॉइंट को, कॉर्नर को अगर राउंड करना चाहो, आप राउंड कर लोगे। अंडू कर देता हूं। अगर आप कहोगे सर इससे ज्यादा इसकी पावर बताएं, पावर बताने के लिए एक चीज याद रखना, जब तक ये रेगुलर शेप है ये इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। अब आपको रेगुलर शेप मतलब रेक्टेंगल है, सर्कल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे इसकी पावरफुल करना, इस टूल को आपने काम करना है, इसको क्लिक करना है, ऐसे सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा? बड़ा जबरदस्त आपके लिए ये एक काम करेगा। वो क्या कर रहा है? कर्व्स में कन्वर्ट कर देगा। ये लो, अब इसका काम अब स्टार्ट हुआ। शेप टूल का गौर करना, ये देख रहे हो एरो हेड, ये क्लोजिंग पाथ है। ये देखो, इसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। कितनी नोड्स हैं इसकी? चार। और नोड जब आप क्लिक करते हो शेप टूल को, ये एक्टिवेट हो जाती है। ये देखो, और ये आपकी नोड का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहां पे कनेक्ट हो रहा है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, वो देखो। अगर आपसे कोई कहे कि क्या यार अब ये अलग हो जाएगा, ये पॉइंट बीच में से अलग हो जाएगा? यस हो जाएगा। और ये करने से पहले या ये करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करके अगर आप ऊपर गौर करो, कमाल की चीजें आ गई हैं। ये देखो इतनी वैरायटी आ गई है इसके अंदर, और इसमें एक टूल ऐसा है जो इसको ओपन करने के लिए काम आता है। क्या लिखा हुआ है? ब्रेक कर्व। इसको क्लिक कर दो, और क्लिक जैसे किया अब आपका वहां पे एरो हेड टेल भी आना शुरू हो गया। चेक करो आया कि नहीं आया। अब एरो हेड टेल आया कि नहीं आया? जैसे वो पाथ अब अच्छा आओ सर, इसको अलग अलग कर सकते हैं? यस, शेप टूल से। ये देखो क्लिक करो, ये दोनों अलग हो गए स्टूडेंट्स। ये दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ये देखो, ये लो, ये देखो, ये लो और ये लो और ये लो और ये लो। अगर आप गौर करो, थोड़ी देर पहले तक एक सिंपल सी रेक्टेंगल थी, लेकिन शेप टूल ने आपके सपोर्ट में आ गया कि आप जहां से इसको तोड़ना चाहो, ब्रेक करना चाहो, उस एंकर को, उस नोड को क्लिक करो और ब्रेक कर दो। किसी पॉइंट से भी ब्रेक कर सकते हो। ये देखो यहां से कर दो, शेप टूल लो, यहां आ जाओ, क्लिक कर दो पॉइंट को, एक्टिवेट हो गया। ये क्या है? ये लो क्लिक कर दो, चेक करो वहां पे भी एरो हेड टेल लग गया, क्योंकि उस आपने उसको एक्टिवेट किया हुआ है। एरो हेड टेल तमाम जगह लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और इसको आप बड़े कमाल तरीके से यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, डिजाइन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर आप गौर करो, कुछ देर पहले तक ये एक रेक्टेंगल था जिसको आपने ब्रेक कर दिया, लेकिन सबसे पहला स्टेप याद रखना, आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, शेप को कर्व्स में कन्वर्ट करना है। जब कर्व्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके ऊपर ये सारे टूल बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ आज सिखाऊंगा, कुछ कल सिखाऊंगा, कुछ आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। ये सारे टूल बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये कब इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स? जब अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, डिलीट कर दो, दैट्स इट। अब ये एक आपकी शेप है, रेक्टेंगल से बनाई गई है।
बाकी सारी चीजें वैसी चलेंगी। ये लो ये लो, सब कुछ वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। स्वैप करना हो ये लो, यहां तक कि इसको दोबारा जोड़ भी सकते हैं, अगर ब्रेक कर भी दिया है जोड़ भी सकते हैं दोबारा से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको ये कहूं कि इस काम सर्कल पे भी हो जाता है, ये लो एक सर्कल बनाया, आपको अगर कहा जाए क्या इस पे एरो हेड टेल लग सकता है, आपको नहीं इस पे नहीं लग सकता, आर्क पे लग सकता है क्योंकि ओपन है। जब ओपन होगा तो जरूर लग सकेगा। अभी अगर मैं कहूं सर्कल पे लग सकता है, आपको अभी नहीं लगेगा। क्या स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स बताओ, सबसे पहले क्या करना है? ना 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 ना, कन्वर्ट टू कर्व्स। कैसे करते हैं? राइट क्लिक करो या कंट्रोल क्यू याद कर लो, कंट्रोल क्यू कंट्रोल क्यू कंट्रोल क्यू, या कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर दो। या अगर आप ये भूल जाते हो राइट क्लिक करके करना, आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ, यहां पे भी देखो कन्वर्ट टू कर्व होगा कहीं, देखो ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, किसमें? कर्व्स में। जब ये कर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है, अच्छा कर्व्स में कन्वर्ट करने से पहले शेप टूल का रोल कुछ और है, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेप टूल का रोल कुछ और है, वेरी इंटरेस्टिंग रोल। अगर इस वक्त मैं करूंगा शेप टूल को, अभी क्या होने जा रहा है जरा गौर करना हो। इस वक्त आपको कहीं पे नोड नजर नहीं आ रही सिवाय एक जगह पे, ये एक्टिवेट कर दो, करने के बाद ये देखो चेक करो क्या कमाल कर रही है उसने। ये देखो सेमी बना दो, सेमी सर्कल हो गया। अगर आपसे को पूछे कि सर्कल जो होता है सेमी हो जाता है, आधा हो जाता है, यस, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? यस। ये देखो आपको कोई जरूरत नहीं इस टूल पे जाने की, पाई पाई भी तो यही कर रहा था, ये देखो पाई भी तो वही कर रहा है, आर्क आपको बताइए कर रहा है, सर्कल पूरा गोल कर देता है, पाई आपको ये कर रहा है। अगर आप कहो कि इसके ऊपर अगर आपने वैल्यू आगे पीछे करनी हो, तो अब आप यहां पे भी जाने की जरूरत नहीं, ये कर रहा था ना एक को आगे एक को पीछे, नेम मैंने लिखा था बीच में अमान आमिर वो, अब आप बजाय ये करने के क्या शेप टूल से नहीं कर सकते? आपके लिए कुछ आसानी नहीं हो गई? काम आपका स्टिल वही हो रहा है जो थोड़ी देर पहले आपको ऊपर पैनल के थ्रू करवा रहा था, अब शेप टूल से कर रहे हो। और एक चीज और समझो, अगर तो आप शेप टूल को यूज करोगे ओवर रेक्टेंगल ओवर सर्कल, सर्कल में सिर्फ उसकी स्लाइस को कंट्रोल करने के लिए करता है शेप टूल बिफोर कन्वर्टिंग टू कर्व, और रेक्टेंगल में कॉर्नर्स को राउंड करने के अलावा कोई काम नहीं है शेप टूल का। पावर कब पावरफुल कब हो जाता है? जब इसको कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि एक रेगुलर शेप को खत्म करके कर्व्स के लिए आप इंट्रोड्यूस करवाते हो। कैसे होता है? सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कंट्रोल, अब देखो अब कमाल का काम शुरू हो गया शेप टूल का। आपको यहां पे ये नजर आ रहा होगा, मतलब ये कि जब सर्कल बनता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट पे आके क्लोज होता है। एरो हेड आपको बता रहा है ये एंडिंग पॉइंट है, इधर स्टार्टिंग है इधर ये एंडिंग है, सर्कल ऐसे बन रहा है, ऐसे यहां स्टार्ट हुआ यहां पे कंप्लीट हुआ, एरो हेड आपको टच करके बता रहा है कि यहां पे क्लोजिंग है। अच्छा है, अब आपको क्या शेप टूल का इस्तेमाल पावरफुल उसकी नजर आई पावर? ये देखो मैं जैसे पहले आपको एक नोड नजर आ रही थी जिससे सिर्फ और सिर्फ आप सर्कल की बाउंड्री को कम ज्यादा कर सकते थे, पाई को कम ज्यादा कर सकते थे, अब क्या फायदा हो रहा है ये देखो, अब आप जिस एंकर को एक्टिवेट करोगे वहां पे हैंडल्स भी आ जाएंगे, ये देखो चेक करो हैंडल भी आ जाएगा। अब आपको इसका फायदा, इसका फायदा ये कि ये वाला हैंडल आपकी अगली कर्व जो इसके साथ कनेक्ट हो रही है ये वाली, इसके कंट्रोल करने के लिए है, ये देखो चेक करो, अंडू कर देता हूं, और इधर वाली इधर की कर्व कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन आप देख रहे होगे कि ये डिस्टर्ब करता है ऑपोजिट साइड को भी, जो उसकी ये असल में बैलेंस कर रहा है, इसको इधर करोगे इधर वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, इधर करोगे तो ऊपर वाली, ये आपके हैंडल को अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इसको क्लिक करने के बाद एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आप गौर करो बैलेंस खराब नहीं हो रहा शेप का, ये चेक करना, अंडू कर देता हूं,
अगर आप इसके बैलेंस को शिफ्ट नहीं करना चाह रहे तो ये ले लो, क्या नाम ले इसका, कस्प टूल, कस्प टूल क्लिक कर दो। अब देखो चेक करो, क्या नीचे वाली कर्व को डिस्टर्ब किया, पिछली बार तो कर रहा था, अब नहीं किया। दोबारा देखो इस टूल को, आपने इस नोड को एक्टिव करके आपने क्या कर दिया, कर्व टूल पे क्लिक किया हुआ है। दैट्स व्हाई अगर इसकी शेप पे अंदर हैंडल को यूज करते हुए आप शेप अप कर रहोगे तो ये आपकी शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। दोबारा देखो इधर अगर आप क्लिक करते हो, ये देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैंडल्स की मूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ये। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इंडिपेंडेंट हो जाए दोनों हैंडल, वो अलग वो अलग, उसके आसान ट्रिक है ये, इसको कन्वर्ट कर दो इनटू ये कस्प। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए शार्प एंगल इन द कर्व बाय कन्वर्टिंग द नोड टू ए कस्प नोड। ये देखो जैसे क्लिक कर दिया, अब चेक करो चाहे इनसाइड ले जाओ चाहे आउटसाइड ले जाओ, क्या दूसरी जो इसका पार्ट ऑफ द नोड है वो प्रॉब्लम कर रहा है, नो। इसको आप चाहे बाहर की तरफ निकाल लो चाहे अंदर, इसको भी अंदर कर लो, ये लो दोनों को एक ही जगह पे ले लो। ये अभी थोड़ी देर पहले क्या थी, सर्कल था, शेप टूल ने ये काम कर दिया। और जिस भी आप एंकर नोड पे, एंकर में बार बार मुंह से निकलता है, हम एंकर बोलते हैं इसमें शेप के अंदर, इसमें इलस्ट्रेटर में, इसमें हम इसे नोड बोलते हैं। भैया देखो बैलेंस आउट हो रहा है ना, और अगर मैं देखो इसको करीब लेके आता हूं, चेक करना क्या होने लगा, बड़ी मजे की चीज हो गई। दोबारा से देखो क्लिक किया, ये दोनों हैंडल्स इस वक्त एक्टिव हैं और कस्प मैंने नहीं किया, कस्प अभी ऑन नहीं है, देखना क्या होता है। बालगर ना स्टूडेंट कहते हैं सर मैं एक इलिप्स बनाऊं और इलिप्स बनाने के बाद उसको पत्ते की शक्ल देना चाहूं, ये देखो बड़े मजे की चीज होने लगी है। ये देखो ये आपने एक इलिप्स बना दिया। अगर आपको कहा जाए कि यार इसको थोड़ा सा इसकी जो आपका इसका कॉर्नर है इसको शार्प करना है, आसान से ट्रिक बताने लगा, राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व क्लिक, और यहां पे कर दो क्लिक, और इस हैंडल को पकड़ के सेंटर की तरफ लेके जाओ। चेक करो क्या आपका शार्प एज हुआ, एज शार्प हुआ, ये देखो सेंटर की तरफ लेके जा रहा हूं, क्या एज शार्प हुआ। ये सबके लिए है, इधर भी यही होगा, ये देखो लंबे से हैंडल ये ऊपर की तरफ निकले में, क्योंकि लंबोतरी शक्ल थी ना एलिप्स, क्या इसको भी शार्प कर दो। शेप देख लो, इसको भी कर दो, अगर आप गौर करो ये थोड़ी देर पहले तक एक इलिप्स था, अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप है। इसको मजीद ओपन कर सकते, ये देखो क्लिक करके ना ये शेप कर दी, इसको क्लिक करके ये शेप दे दी। ये थोड़ी देर पहले तक क्या था, ये इलिप्स था, अब क्या लग रहा है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल लग रहा है, शेप टूल। और शेप टूल आपका बहुत पावरफुल है अगर आप उसको कन्वर्ट कर दो शेप को कर्व्स में, वरना नहीं, कंट्रोल क्यू प्रेस करके रोल ही चेंज हो जाता है शेप रूल का। उससे पहले क्या रोल था, एलिप्स को ज्यादा स्लाइस कम कर सकते थे, पाई को कर सकते थे, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करने दे रहा, लेकिन जैसे आपने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया आपके जगह जगह के ऊपर आपके नोड्स आ जाएंगे, और नोड्स को क्लिक करके ऊपर आपको बेशुमार किस्म के टूल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी तक आपको एक दो पॉइंट्स का सिर्फ जिक्र किया। मजे की बात देखो, एक चीज और करता हूं, इस एंकर को यहां से डिलीट करने लगा, इस नोड को यहां से डिलीट करने लगा। डिलीट का सिंबल देखो रेड नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ, सुनो डिलीट नोड, करूं क्या,
क्लिक करने से पता क्या होगा, शेप में चेंज आएगी। क्या चेंज आएगी को बता सकते हैं? ये निकलेगी नोड और पिछली नोड अगली नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। आपकी पिछली नोड अगली नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब आपको सर ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? स्ट्रेट हो सकती है, यस हो सकती है, ये स्ट्रेट करने के लिए ट्राइंगल बन गई। है बड़ी मजे की चीज। लेकिन जब तक आपको ऊपर वाले टूल्स के नोट को सेलेक्ट करके ऊपर वाले टूल की समझ नहीं आपकी डेवलप होगी, आपको मजा नहीं आएगा काम करने का। अब मैं आपको सिंपल वे में ये बता रहा हूं कि अगर आप कोई रेक्टेंगल लगाते हो और इसको कन्वर्ट कर लेते हो कर्व्स में, और अगर आपको कहूं यही रेक्टेंगल अभी थोड़ी देर में ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको वो कैसे? मैं कहूंगा शेप टूल ले लो, इधर क्लिक कर दो, इसको क्या कर दो, डिलीट, ट्राइंगल नहीं बन गए। और क्या इस ट्राइंगल का साइज वाइज कर सकते हो? यस, ये देखो इस नोड को पकड़ के, ये लो इस नोड को पकड़ के, ये लो इस नोड को पकड़ के, ये लो जो दिल करता है, और यहां तक इसको ओपन भी कर सकते हो, कर्व को ब्रेक ए पार्ट। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया होगा वहां से ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए कौन सा टूल है? ब्रेक कर्व। बड़ी मजे की चीजें हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में लाओ। कल मजीद इसको हम करेंगे। अभी मैं आपको, आज आपने एक नई चीज सीखी है, वो ये कि आपने इलिप्स को अपनी जरूरत के हिसाब से पेजेस को वह बनाना और इसको सारा कुछ करना आपने अटेम्प्ट किया। एक सेकेंड, क्योंकि हमने भी जाना है तो मैं आपको थोड़ा सा इस टूल को एक्सप्लोर करना। ये है जी आपका असाइनमेंट, डोरेमोन ये आपने बनाना है। शेप टूल मैंने सिखा दी, बन सकता है ये आपने बनाना है कॉरल में, किसी और टूल में नहीं बनाना। कॉरल में अटेम्प्ट करो, इसको ना आप कॉपी पेस्ट कर दो फोल्डर को, इसमें 10 मिनट लग जाने हैं। इधर आ जाओ चैप्टर, ये सारे का सारा माउथ है, नोज है, आईज है, राउंड सर्कल पीछे बना हुआ है, इसके ऊपर एक और सर्कल इलिप्स बना हुआ है, आईज बने हुए हैं, इसका आगे हैंड्स बने हुए हैं, नीचे फुट बने हुए हैं, ऊपर फ्रंट के ऊपर इसका, ये नेक के ऊपर, ये सारा चीजें तो आपको मैंने सिखाई है। सबको आप सेट करके प्लेसमेंट करके डोरेमोन बनाना है पूरा का पूरा। क्या बन जाएगा? ये असाइनमेंट है आपकी, डोरेमोन कहते हो तो इसको मैं कॉपी, वैसे तो कॉपी पेस्ट करके आपको सेंड कर दूं, जेपीजी वगैरह। वैसे तो ये आपने डोरेमोन तो देखा ही होगा, ये बनाना है। इसमें टूल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं जो अभी तक दो सिखाए हैं, और अगर आपको नहीं भी सिखाया, अगर आपको मैं सिंपल सर लाइन लगानी, लाइन लगानी, तो आपने सिखाई नहीं हमें लाइन का लगाने का मुश्किल है। आपको जब मैंने रेक्टेंगल बनाना सिखा दिया है या ट्राइंगल बनाना सिखा दिया है, क्या इससे लाइन नहीं लग जाएगी? किसी भी शेप को सिलेक्ट करो, ये लो लाइन लगा दो, ये लो इसको क्लिक करो, डिलीट कर दो, बाकी क्या बचेगा? एक लाइन ही बचनी है आखिर में स्टूडेंट, एक लाइन ही बचनी है। ये लाइन है, वेट बढ़ा दो, भाई जब एंकर डिलीट होने शुरू होंगे उसको स्ट्रेट कर दो कि लाइन ही बनेगी। हालांकि ये स्टार्ट में क्या था, एक रेक्टेंगल था जिसको 3 पॉइंट्स पे लेके आए, फिर 3 पॉइंट में एक और पॉइंट हुआ तो क्या स्ट्रेट हो गया, या इसको आपको आर्क दिखा रहा है, तो आपने एंडिंग वाले पॉइंट को क्लिक करके ऊपर आपने कहा स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट कर दिया, वो कर्व दिखा रहा था उसको स्ट्रेट कर दिया। दोबारा से देखो, जब कभी आप एक शेप बनाते हो और शेप बनाने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हो, आपके पास शेप टूल का बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू हो जाता है।
अभी मैंने आपको बताया एरो हेड टेल भी लग जाएंगे, लेकिन एरो हेड टेल लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, आपको किसी एक पॉइंट से इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जरूरी नहीं इसी पॉइंट से डिस्कनेक्ट करना, आप किसी भी एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंकर एंड देन गो विद ब्रेकर कर्व, क्लिक कर दो, बस इतनी सी बात। अब जो आपका स्टार्ट एंड यहां पे नजर आ रहा था वो स्टार्ट एंड यहां मुंतकिल हो गया, ये देखो एरो हेड टेल आपको यहां पे नजर आएगा, और ये ब्रेक जब हो जाए तो आप इसको यहां से अलग कर सकते, ये देखो अलग हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज कर दो, अंडू, देखो अंडू कर दिया। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये ओपन तो हो जाता, क्या इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट। आसान से ट्रिक देखो, एंकर को लिया, इसके बिल्कुल पास ले आओ और इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, तब भी क्लोज हो जाता है। ये चेक करना, माउस की शेप को चेक करना, एक डाउन एरो ऐसे नजर आएगा बेंड होता हुआ, आ रहा नजर, बस ड्रॉप कर दो, ये लो शेप क्लोज हो गई। दूसरा तरीका, इसको इसके करीब लिया है, इसके ऊपर ड्रॉप नहीं किया, थोड़े फासले पे भी अगर रख दिया तो ये क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लोज करो, लेकिन एक छोटी सी लाइन बीच में लगती हुई नजर आएगी आपको एक्स्ट्रा, ये देखो गैप है ना काफी। बेहतर सोल्यूशन क्या होता है कि आप इसको खुद से पकड़ के इस एरो को इसके ऊपर जाके ड्रॉप कर दो, एग्जैक्टली जिस तरह डिस्कनेक्ट हुआ था वैसे ही कनेक्ट हो गया, कर्व क्लोज हो गई, शेप क्लोज हो गई, क्लियर? मिसाल के तौर पे मैं इसमें फिल करता हूं, मैं दिखाता हूं एक चीज करके, ये देखो फिलिंग हुई भी है क्योंकि क्लोज है। अब मैं जैसे इसको डिस्कनेक्ट करूंगा देखो एक चीज चेंज होती हुई नजर आएगी, क्लिक किया, ये देखो स्टूडेंट्स ब्रेक, जैसे मैंने ब्रेक किया वो अलग हुआ और साथ में फिल भी गया, तो फिल होती है क्लोज में, ओपन जब हो जाता है फिलिंग को खत्म कर देता है, और हुई है, और आप वहां पे गौर कर रहे होगे, ये देखो गैप भी आ गया, थोड़ी देर पहले अंडू करता हूं, ये देखो बिल्कुल आपके एजेस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, शार्प हुए हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करके यहां पे आप करते हो ब्रेक, एक तो फिलिंग खत्म हो जाती है, दूसरा ये अलग हो गए, डिस्कनेक्ट होगी लाइन है आपस में, जिसको आप शेप टूल के साथ थोड़ा डिस्टेंस भी करना चाहो कर सकते हो, कुछ और बनाना चाहो बना सकते हो, क्या बनाना चाह रहे हो मुझे बताओ, मैं ये बनाना चाह रहा हूं, कुछ इस तरह का डिफरेंट, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ और प्रॉपर्टीज को जाके सेट कर लो, वेट बढ़ा दूं, आप मुझे जिस तरह बना के दिखाना चाह रहे, ये लो, ये असल में थोड़ी देर पहले क्या था, एक रेक्टेंगल था, जिसको आप क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यूज को आप सेट करके अपनी मर्जी से कोई चीज बना के दिखाना चाह रहे, लाइक दिस, ये लो, क्लिक करो, सॉरी आसान सी ट्रिक भी है वो भी बताता हूं आपको, ये देखो एक सिंपल सा रेक्टेंगल को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट करके कर्व्स में ब्रेक करके उसको एक काइंड ऑफ एक शेप में कन्वर्ट कर दिया जो डिफरेंट लुक दे रहा है, इसको आप फर्दर इसके ऊपर काम कर सकते हो पिक टूल से, हेलो फर्दर आप काम कर सकते हो पिक टूल से, कोई कह नहीं सकता कि ये रेक्टेंगल थी जिससे आपने सारा एक्शन किया कंप्लीट, क्या क्या आ रहा है?
शेप कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टू ब्रेक सेटिंग करके उसके अपना अटेम्प्ट करती है। एक को रेड कर दिया स्ट्रोक को, एक को आपने ब्लैक रहने दिया। ये लो डिजाइन है ना, जैसे जैसे आप क्रिएट करोगे वैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब है जब आपको काम करना आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें बनानी आ जाएगी। ये लो ये लो, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप डिफरेंट डिफरेंट कोशिश करो, अटेम्प्ट करो, अच्छी चीज सामने बनती भी नजर आएगी आपको। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इन टूल को सीखते जाओगे सीखते जाओगे, हर रोज आप नई चीज जब सीखोगे तो आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना आ जाएगा। अब ये आप अपने बिजनेस कार्ड के बैक पे भी लगा सकते हो, कुछ इस तरह का डिजाइन वजाइन क्रिएट करके, लोगो काइंड ऑफ मटेरियल जो भी आप दिखाना चाहो, अपनी कंपनी के नेम को दिखाना चाह रहे हो, ये मैंने नाम लिखा है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है। तो बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि आपको आज की डेट में जो एक चीज करवा दी गई है, इसमें आज शेप्स के साथ आपको प्ले करना सिखाया, आपको ये बताया कि किस तरह आपकी शेप ब्रेक हो सकती है और शेप के ऊपर आप वर्क कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर रोल चेंज, आफ्टर कन्वर्टिंग आपकी ये सारी सारी। अब मजे की बात सुनो, जब सर्कल आपका था जिसपे ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, जिससे और मजे की बात आप किसी जगह पे भी नोड को ऐड कर सकते हो। आसान सी ट्रिक बताऊं नोड ऐड करने की, क्लिक करो ये ऐड नोड, क्लिक करो ये ऐड नोड, जैसा रिमूव होती है ऐड भी होती है। अब करने के बाद इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर, करने के बाद ये लो, एक शेप फिल कर लो इसको। ये थोड़ी देर पहले तक एक सिंपल एलिप्स था जिसको आपने नोड्स ऐड करके काम कर दिया। अंडू करता हूं, ये देखो दोबारा से देखो, शेप टूल अंडे की शक्ल बनाना चाह रहा हूं, ऊपर से बैलेंस इसका आउट हो रहा है, ऊपर ले जाते हैं इसको। और अगर आप समय दो कि यहां पे इसको एंकर के ऊपर हम थोड़ा सा इसको इनसाइड की तरफ पुश करना है, कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये लो इसको करना है, इसको कर लो, ये लो, बहुत कुछ हो सकता है। और आसान सी एक और आपको मैं सिंपल वे में ये बता दूं कि अगर आपने कभी एंकर्स को ऐड करना, नोड को ऐड करना आसान सा काम, आफ्टर कन्वर्टिंग योर शेप, अगर आपको नोड्स कम दिखाई दे रही है, चार हैं, आपको मजीद चाहिए, आसान सी ट्रिक, ये आपको एंगल नजर आ रहा है ऐसे जिगजैग, यहां पे डबल क्लिक कर दो एंकर आ गया, यहां डबल क्लिक कर दो एंकर आ गया, और एंकर जब आ जाए और भी करने एंकर, ये देखो डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। दूसरा तरीका, एक बार क्लिक करो और ऐड पे क्लिक करो, ये दो स्टेप वाला प्रोसेस है, हम दो स्टेप वाला प्रोसेस नहीं करते, सिंगल स्टेप वाला। शेप टूल डबल क्लिक जहां करोगे एंकर आएगा, और जहां पर डबल क्लिक करोगे एंकर जाएगा। एंकर अगर आ गया स्टूडेंट्स ये चेक करो, थोड़ी देर पहले तक ये एक रेक्टेंगल था, लेकिन आपने एंकर्स को वहां पे अप्लाई किया और वहां पे आपने शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। चेक करो दोबारा से, क्लिक किया, एक एंकर ये है, एक एंकर ये है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, आसान से ट्रिक, ट्रिक बस जाए, दोनों एंकर सिलेक्ट हो गए। अगर आपको माउस के साथ इसको करना है ऊपर नीचे कर सकते हो, दाएं बाएं करना है कर सकते हो, एरो की से भी कर सकते हो।
चलो शेप चेंज हो गई, नीचे करना है, नीचे कर लो, ये देखो दोनों में से एक को क्लिक करके दाएं बाएं करना है। अगर आप मूवमेंट को स्ट्रेट करना चाह रहे हो तो शिफ्ट के साथ कर लेना, शिफ्ट के साथ, ये लो शिफ्ट। अच्छा बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एंकर जब लग जाते हैं डिलीट करने का आसान सी ट्रिक बताएं। एक तो मैंने बताई ना आपको क्लिक करके रिमूव, आसान सी ट्रिक बताऊं डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक से एंकर ऐड भी होता है, डबल क्लिक से एंकर बना हुआ है डिलीट भी होता है, डबल क्लिक। अगर आपने मोर देन वन एंकर्स को सिलेक्ट करना हो, इकट्ठा करना हो, तो आपने इसको क्लिक करके इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गए। दाएं में मूव करके दिखाऊं, ये लो शेप चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आप ऊपर वाले सिलेक्ट हुए हैं इस वजह से, वो भी साथ में आ रहे हैं, ड्रैग हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ये देखो अब ऊपर वाले आ रहे हैं, नो, ये देखो ये शेप चेंज हो गई, कलर कर दो इसके अंदर। इसका मतलब है बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पे आपने देखा हो कि ये करते हैं, ये देखो एक तो इसकी फिल ऑफ कर दिया करो, अगर आपको एग्जैक्टली इसके लाइंस के ऊपर काम करना है, एंकर्स पे काम करना है, फिल को ऑफ कर दिया करो, क्योंकि फिल डिस्टर्ब करती है, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि कहाँ एंकर लगने हैं, कहाँ क्या शेप बनानी है। फिल बाद में भी कर सकते हो, फिल को तो बंद कर दो ना। फिल बंद करने का आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ तो यहां से कर दो फिल ऑफ, या ये ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, ये बिल्कुल पैलेट में वो ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो। लेफ्ट से फिल ऑफ होता है, राइट से स्ट्रोक ऑफ होता है। अब आप आराम से काम करो, क्या काम करना है, कोई लोगो, कोई शेप आपने एडजस्ट करनी है, चेक करो कैसे करना है। यहां पे एंकर चाहिए, अच्छा एक तो होता है एंकर चाहिए, क्लिक करने से डबल क्लिक करने से आता है, एंकर आपको नहीं चाहिए, क्लिक प्लस ड्रैग करो, ये देखो वैसे शेप को आप ड्रैग इन कर सकते हो, डबल क्लिक करो, इधर भी डबल क्लिक करो, या इसको ही रहने दो, ये देखो चेक करो ये शेप बना दी, इधर भी आपने बनाना है, डबल क्लिक कर दो, ये लो। बाल का ना आपको शेप कुछ इस तरह की रिक्वायर्ड होती है ऐसी। और अगर आप चाह रहे हो को दोनों पॉइंट्स को भी हम थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हैं, अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, और इस पॉइंट को हम इसके साथ ले जाते हैं। जैसी शेप बनाना चाहो अब बना सकते हो। अब ये नीचे चूंकि ये एंकर्स बीच में पड़े हुए हैं, अगर इनको निकालना चाहो दोनों को सिलेक्ट करो और इनमें से किसी एक पे डबल क्लिक कर दो, ये एंकर्स को खत्म करने के लिए। डबल क्लिक से एंकर आते भी हैं, डबल क्लिक से एंकर जाते भी हैं। और ये अगर आप गौर करो थोड़ी देर पहले तक ये एक रेक्टेंगल था जिसको आपने बड़ा स्मार्टली विद द यूज दिस टूल्स हम सेट कर दिया, कलर कर दो, इसी की एक शेप की कॉपी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक रेड, ये लो। इसको मजीद हम चूंकि हमें थोड़े से एंकर की विड्थ ऊपर से और नीचे से सेट करनी थी, बड़े सिमेट्रिकल शेप आ जाती है। अभी ये गैप आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और मेहनत से बनाओगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज आपने स्टूडेंट से टाइम इज ओवर, आज आपने काम ये किया है कि आपने शेप से काम किया है, रेक्टेंगुलर पे और एलिप्स पे, लेकिन आज आपने सीखा है मेरे साथ लेआउट को सेट करना, फाइव ऑप्शन को यूज करना। दूसरा आपने सीखा है शेप टूल को बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्टिंग, और पाइड को और आग को किस तरह कंट्रोल करना है ये आपको मैंने आज सिखा दिया। आज आपका शेप का काम शुरू हो गया, और शेप का बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब होती है, आप ये काम इससे क्या ले सकते हो, ये ईच एंड एवरीथिंग। और कल मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, ये मैंने ऑलमोस्ट आपको एलिप्स की प्रैक्टिस करवा दी, मैंने रेक्टेंगल्स की प्रैक्टिस करवा दी, जहां तक पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स, जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो
तो आपके पास आते हैं नंबर ऑफ साइड्स। एक पॉलीगॉन की कम से कम साइड्स होती हैं तीन। अगर आप तीन करके बनाओगे ट्राइंगल बनेगा, आप चार करके बनाओगे ये चार ऑप्शन आपकी साइड्स आ जाएंगी, पांच करोगे पांच आ जाएंगे, छह करोगे छह आ जाएंगी। अगर आपने पॉलीगॉन बनानी है साइड्स कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं ये देखो, मैक्सिमम कितनी होती है यहां से आप चेक कर लेना, 500 होती है। लेकिन 500 जब हो जाती है ना तो आपको समझ नहीं आती सर्कल है या पॉलीगॉन है, क्योंकि साइड्स इतनी क्लोज आ जाती है एक दूसरे के, वो आपको इस तरह लगता है जैसे ये क्या है एक सर्कल है। तो मिनिमम कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स जी? हाँ अभी मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूं, ठीक है ओके ठीक है। ये मिनिमम कितनी कर सकते हो स्टूडेंट्स? तीन कर दो, तीन सेट कर दो, ये लो। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 500। अच्छा पॉलीगॉन बन जाती है, पॉलीगॉन का इस्तेमाल जब आपको आ जाए तो आप इससे बड़ा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे यहां पे इसको प्लेस करना है विद प्रॉपर आउटलाइन विद प्रॉपर फिलिंग, कर लो ये लो। स्ट्रोक लगाना है? यस लगाना है। किस कलर का लगाना है? मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं। ओके लगा लेते हैं व्हाइट कलर। ओके व्हाइट नजर नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड भी व्हाइट है, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रोक की वेट बढ़ा के मैं 10 पॉइंट कर देता हूँ। चेक करो स्ट्रोक है व्हाइट कलर का, जल्दी से मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखो इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो ऐसे, और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो इसमें शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये देखो शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट इसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब आप इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करो थोड़ी सी स्पेस दे के राइट क्लिक करो, ये देखो। उसके बाद आपने कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी लास्ट सेक्शन जो है इसको डुप्लीकेट वर्जन आ जाएगा, कंट्रोल डी। और अगर आपने इसको रिपीट करना है, ये सबके लिए है, सर्कल के लिए भी पॉलीगॉन्स के लिए सबके लिए ये चीज याद रखना। क्या करना है आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करना है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट को यहां पे ड्रैग इन करना है, और क्या करना है राइट क्लिक दोबारा देखो, दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे लेके आया राइट क्लिक कंट्रोल डी। अगर आप समझते हो कि इसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए अभी बना लेते हैं, डबल क्लिक और बैकग्राउंड का कलर कर देता हूं ब्लैक। ये आपको नजर आ रही है ये गैप्स हैं व्हाइट स्ट्रोक के, स्ट्रोक व्हाइट। अगर आप चाह रहे हो यार ये स्ट्रोक व्हाइट शेड निकाल दो, अभी निकाल देते हैं, चेक करता हूं कैसे। सबको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को निकाल दो, स्ट्रोक को नन कर दो, तो बैकग्राउंड को आपको नजर आ रही है किसकी, जो बेस कलर है ठीक है ब्लैक है ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक, पहले व्हाइट क्यों नजर आ रही थी, स्ट्रोक का कलर व्हाइट। तो कभी आपने इस तरह का मटेरियल प्रोड्यूस करना हो स्क्रीन के ऊपर, इनमें इमेजेस भी लग सकते हैं, इनमें इमेजेस लग जाएंगे बड़े मजे के, हर एक ऑब्जेक्ट में लग जाएंगे, सर्कल में भी लग जाएंगे, ट्राइंगल में भी लग जाएंगे, पॉलीगॉन में भी लग जाएंगे, स्टार में भी लग जाएंगे। कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि स्टार अगर हो तो क्या करना है, स्पाइरल हो तो क्या करना है, कॉमन शेप्स हो तो क्या करना है। वीकेंड पे मैं इन शेप्स को खत्म करना चाह रहा हूँ विद इस जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आउटलाइन के हवाले से सब कुछ बता दिया स्वाइप कैलीग्राफी। ये तीन ऑप्शन नजर आ रही है नीचे और एक कैलीग्राफी, कल मैं कोशिश करूँ इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या है, इससे क्या हो सकता है। बाकी ऊपर वाली मैंने ऑप्शन सारी डिस्कस कर ली, आउटलाइन की फिल की भी तकरीबन मैंने कर ली, लेकिन ये कुछ डिटेल्स बाकी हैं, ये कल मैं आपको कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करके साथ साथ ये भी करवा दूंगा।